संभल के आराम से। अरे भाई, अरे भाई, रास्ता बना, रास्ता कैसे ले जाऊं? जल्दी से ऑक्सीजन दो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। रुको, क्या कर रहे हो? देखो भाई, क्या ठीक है, तुम लोग इतना टेंशन मत लो। अरे हम लोग भाई को मिलने को आए हैं, उनको मालूम तो पड़ना चाहिए ना। ठीक है ठीक है, तुम लोग अपना नाम बताओ, मैं तुम लोगों के नाम की एक लिस्ट बना देता हूँ। नाम बताओ काड़ा। सैयद जुल्फी। इकबाल पसीना। अरे निकम्मा उस्ताद बोल रहा हूँ चेन्नई से। भाई की तबीयत कैसी है? अभी वो आईसीयू में, उनकी तबीयत बहुत खराब है। यही सही वक्त है, आज ही भाई का गेम बजाना होगा। वो जिंदा नहीं बचेगा, मैं अपनी तलवार से उसका सर काट दूंगा। अगर मैंने आज उसे नहीं मारा तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं, समझ गए? अब उसे भगवान भी नहीं बचा सकता। भाई आपसे मिलने के लिए अकबर काना, सैयद जुल्फी, इकबाल पसीना। चौधरी ने मारे बारे में कुछ पूछा? नहीं, उसका फोन नहीं आया भाई। बावरी बुच, वो साला चौधरी मरने मारना चाहता है, इसीलिए तो मैं अस्पताल में भर्ती हुआ। भाई कुछ समझ में नहीं आया। मन्ने उस साले चौधरी पर पहले से ही शक था। उस साले को चार दिन नहीं हुए इस धंधे में आए और मन्ने ही ऊपर भेजना चाहता है। इतना मटन खिलाएगा मन्ने तो सच में हार्ट अटैक आ जाएगा। हटाओ। भाई अभी अभी पता चला कि चौधरी और उसके लोग अपने अड्डे पे नहीं है। कहाँ चला गया साला? साड़ो बंद कर तेरी हरियाणी, आज तुझे कफन पहन है कहीं जाऊंगा। शंकर सेठ, हरियाणा का तड़ीपार गुंडा, जो अब चेन्नई में सेटल है और चेन्नई पर अपना राज जमा कर इंडिया का सबसे बड़ा डॉन बनना चाहता है। लोमड़ी जितना चालाक और जहरीले नाक की तरह टसने वाला, वो अपने आप को 30 मार खा समझता है और कोई उसे गलत साबित करने की कोशिश करे तो उसे वो बर्दाश्त नहीं होता है। इसकी एक जमीन है जो वो बेच चुका है, जिस पर स्टे ऑर्डर लाकर इन्हें डरा रहा है। भारत बहुत बड़ा देश है, तमिलनाडु उसका छोटा सा हिस्सा, चेन्नई उसका, पर सबसे बड़ा मैं, शंकर सेठ सबसे बड़ा सेठ। मुझे मत मारना, मैं पैसे दे दूंगा। ये शहर के बहुत से लोगों से करोड़ों रुपए कमा चुका है, गलत काम करने के बावजूद कानून इसकी मुट्ठी में है। लोग इससे डरते हैं और इसी डर की वजह से वो और भी ताकतवर होता जा रहा है। अब इसे रोकना नामुमकिन हो गया है। हमें अगले हफ्ते तक मंदिर की साफ सफाई खत्म करनी होगी। जी पुजारी जी। नमस्ते जी। नमस्ते, आई आई। हम लोग शहर से आए हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। हाँ, यहाँ सारी मन्नतें पूरी होती हैं। हम बहुत दूर से आए हैं पुजारी जी, और हम यहाँ पूजा करना चाहते हैं। घर आ जाइए। जाओ, सारे गहने लेकर आओ, मुझे मूर्ति को सजाना है। कौन से कौन से लाऊं? सोने का कड़ा, मोती की माला, एक बड़ा हार और मुकुट चाहिए। जी पुजारी जी। अरे गहने आराम से निकालो। पुलिस स्टेशन। देखो जाकर।
भाई ये लो। लगने पर कोई खाना चोरी करता है तो अपनी भूख मिटाने के लिए, पर तुम्हें माफ कैसे करूं? तुम्हारी वजह से तो मंदिर में बैठा भगवान भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन मैं कानून की रक्षा करने वाला आज उनका इंसाफ करूंगा। मैं वो हूं जिसका नाम सुनकर इस शहर के गुंडे अपना धंधा बदल देते हैं। जिसके गहने चुराने आया था उस भगवान का दूत हूं मैं। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, इसीलिए भगवान ने खुद मुझे यहां भेजा है, मुझे सिंघम को। तुझे बड़ा मजा आता है लोगों को परेशान करने में, उनके पैसे चुराने में, उन्हें मारने में, खुद की बचती है तो कैसा लगता है? बंदूक की नली जब सिर पे तानूंगा ना तो चड्डी पीली और गीली हो जाएगी। मुझे छोड़ दो। मजूमदार सर, कांचा जी ना हमारी जेल तोड़कर भाग गया है, वो पत्थरों के पहाड़ में जाकर छुपा है। सर वहाँ मत जाइए, सर वहाँ बहुत खतरा है, मत जाइए। आसमान झुकता नहीं, मजूमदार रुकता नहीं। सर वहाँ पर मत जाइए। डरना मैंने सिखा नहीं, मैं हूँ असरदार मजूमदार। अब मेरे अंदर की आग जग चुकी है, अब मेरा प्रमोशन कोई नहीं रोक सकता। साहब आपको बोला था ना कि वहाँ पर मत जाइए। अरे इतना बोल बस चंदिया, कम से कम ये कहते कि पत्थरों में बॉम्ब है। मैं वही समझा रहा था, लेकिन आप तो लंबी फेंक रहे थे। वो तो मैं अपनी पब्लिसिटी कर रहा था। सर जी हमसे गलती से मिस्टेक हो गई सर, कांचा जी ना जेल के टॉयलेट में लॉक हो गया था, वो भागा नहीं। ये मेरे मरने के बाद बताता। सॉरी सर, गलती हो गई, अंग्रेज चले गए, सॉरी छोड़ गए रे। अरे सर आपका सिर्फ जूता तो फटा है। फटा हुआ जूता तो फिर भी सिल जाएगा, लेकिन अब इसको कौन सिएगा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो मजूमदार? कल जैसा ही। तुम टॉयलेट जाने के भी लायक नहीं रहे। पेपर में आया क्या? टोपी के नीचे दिमाग दिया, उसका इस्तेमाल करो, बिना अकल की बहादुरी बेवकूफी है। जब भी मैं अकल दौड़ाता हूँ दिमाग का लूज मोशन हो जाता है। नमस्ते। इनका क्या प्रॉब्लम सर? राइट वाले ने लेफ्ट को मारा, लेफ्ट वाले ने राइट को मारा, बीच में हम फंस गए। सर इस आदमी ने मुझ पे हाथ उठाया, मैं इस पर केस करना चाहता हूँ। क्यों मारा तुमने इसे? सर ये दारू पी के मेरे घर आके मेरे बीबी के साथ बदतमीजी कर रहा था, इसलिए मारा। इसके बदले में इसको मेरे साथ बदतमीजी करनी चाहिए थी, पर इसने मुझे मारने की कोशिश की। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी ले जाऊंगा। सर बदतमीजी का बदला बदतमीजी होना चाहिए। किसी की बीवी को छेड़ेगा तो मार ही खाएगा ना, मैंने मारा तो मुझ पर केस करेगा? नहीं सर। तेरी इस कंप्लेन की वजह से तेरी FIR लिखनी होगी, तुझे जीप में बिठाकर कोर्ट ले जाकर वापस भी लाना होगा। मेरे डीजल का खर्चा, गवर्नमेंट का पैसा, कोर्ट का टाइम सब वेस्ट करेगा तू। दारू पी के किसी की बीवी को छेड़ेगा तो वो तुझे मारेगा नहीं तो क्या, तेरी चुम्मी लेगा? ज्यादा बोला तो जुबान काट लूंगा। चलो हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। झप्पी कौन देगा? अरे झप्पी दे। अब ऐसे ही बाहों में बाहें डाले घर तक जाना। ठीक है सर। ये क्या सर, सारी सेटलमेंट आप यहीं पुलिस स्टेशन में बैठकर करेंगे तो फिर जज और वकील क्या करेंगे? मजूमदार माना कि मैं यहाँ का चीफ इंस्पेक्टर हूँ, लेकिन इसी गांव में पला बड़ा, गांव के सभी के साथ मेरा कोई ना कोई रिश्ता है। समझ गया, लेकिन अगर हम एक भी कंप्लेंट नहीं लिखेंगे तो गवर्नमेंट को लगेगा कि हम कामचोर हो गए हैं। आपका पगार बंद, मेरा पगार बंद, पुलिस स्टेशन शट डाउन। अरे यही तो मैं चाहता हूँ। सर खाने के वांदे हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा, मैं तो अपनी छोटी सी दुकान खोलना चाहता था, वो तो बाबूजी की वजह से पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली। अगर पुलिस स्टेशन बंद हो जाएगा ना तो अपना स्टोर खोलूंगा, सिंघम जनरल स्टोर, सपना सपना। सर आप तो खोल लेंगे, मेरा बंद हो जाएगा, तुम्हें स्टोर में नौकरी दूंगा। एक से एक आइटम आएगी। एक किलो धनिया। अरे क्या कर रहे हो? अपना काम सही करो। सर ये क्या, पूरे दिन का पगार तो वसूल करो, आप कहाँ जा रहे हो? हमारे गांव और पास वाले गांव में फुटबॉल मैच हो रहा है, मैं खेलने जा रहा हूँ, तुम यहाँ संभाल लेना। सर ड्यूटी टाइम के बीच में बॉल से नहीं खेलना चाहिए। हमारा कोई ड्यूटी टाइम नहीं होता, रात को 2 बजे भी काम करना पड़ता है। दिवाली या न्यू ईयर हमारे लिए सब एक जैसा ही है, हमें कोई छुट्टी नहीं मिलती। मिलती है क्या पंडर लोग? नहीं सर। तो जब भी मौका मिले खेलते कूदते रहो, तुम भी खेलो। यस सर। अब मैदान में सिंघम आ गया है,
अब चाहे। अरे सिंघम, दोनों टीम्स का स्कोर सेम है, हमें पांच मिनट में कैसे भी करके एक गोल मारना पड़ेगा। फिकर मत कर, पांच मिनट में पांच मार लेंगे। गोली से भी तेज भागे, जिसकी आंखें चील जैसी, यहाँ इसके सब दीवाने, नाचे और बजाए ताली, चारों तरफ किसी में भी नहीं है वो दम, रोक सके सिंघम के बढ़ते कदम। Hope you had a nice flight. ये दोनों ऐसे क्यों देख रही हैं? रुको, पकड़ो इन्हें, पकड़ो, इनके पास बम हो सकता है, पकड़ो इन्हें, जल्दी। तुम्हें हमेशा फर्स्ट क्यों आती हो? इसमें बुरा क्यों मान रही हो? सेकंड तो आई हो, ये बेचारे तो थर्ड फोर्थ आए हैं। चलो यहाँ से। काव्या मैडम, प्रिया मैडम, शाहरुख, नहीं आमिर, सलमान, मैं काना लीवर। हाँ जानती हूँ, मजाक कर रहे थे। डैडी लगेज में आ रहे हैं। डैडी लगेज लेकर आ रहे हैं। नमस्ते जी, कैसे हो? अरे हेलो रोशन जी, कैसे हो? आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, पर आपका यहाँ कैसे आना? बच्चे दादा दादी के साथ वक्त बिताना चाहते थे तो मैं उन्हें यहाँ ले आया। अब तो आप यहाँ कभी दिखाई नहीं देते, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं। हाँ, काम के सिलसिले में मुझे अक्सर बाहर जाना पड़ता है। काव्या, तुमने बैग्स ले लिए? हाँ, बस लेकर आ ही रही हूँ, स्कूल के बाद सीधे घर आना। बच्चों के बैग में किताब रखी है या पत्थर? कितना भारी है। मजाक बंद करो, दो दिन से घर क्यों नहीं आए? अरे पुलिस स्टेशन में मेरे बिना पत्ता तक नहीं हिलता है। चलो भूखे को खाना तो दो। तुम जल्दी आज ही अपने अकाउंट्स खत्म कर दो, कल हमें सिटी ऑफिसर से मिलने जाना है। बाबूजी, कब तक एक एक दो दो रुपए वाली पुड़िया बांधते रहोगे? कोई बड़ी सी दुकान खोल लो। तुम अपनी बकवास बंद करो, समझे? और कितने सालों तक सब इंस्पेक्टर रहोगे? मैं पिछले 8 सालों से ड्यूटी कर रहा हूँ और आपका बेटा 3 सालों से, लेकिन सैलरी उतनी की उतनी, ना वो रिश्वत लेता है ना मुझे रिश्वत लेने देता है। रिश्वत के बगैर घर चलता है क्या माँ? मेरे बेटे के बारे में उल्टा कहा तो कॉफी में जहर डाल दूंगी। हाँ, तुम जानते हो अभी तक तुम्हारा प्रमोशन क्यों नहीं हुआ? दुकान में फोन करो और सामान के बारे में पूछो। हेलो, सामान आया क्या? हाँ, कब का आ गया? हाँ आ गया। उससे पूछो कब आया था। 3:30 बजे आ गया था। कितनी बोरियां आई हैं? कितनी बोरियां, कौन सा साबुन, कितने पैसे, कितने लीटर, कितने लोग? कब? थक गया, एक ही बार में हर चीज पूछवाओ ना। दीदी खाना ला रही हूँ। सोनू सिंघम। जी बाबूजी। जरा दुकान पर फोन करो और पूछो सामान आया कि नहीं। जी बाबूजी। बेटा बैठ के बात करो ना। हाँ ठीक है बाबूजी। 3:30 बजे लॉरी आ गई थी, सब मिला के 48 बोरियां है। 5 चावल की, उड़द दाल की 4, गेहूं की 22, धनिया 2, मिर्ची 2 और नमक की 5। जितना सामान चाहिए था आ गया है। उन्होंने कहा है आप हिसाब करने के लिए शाम को उनकी दुकान पर ही चले जाइएगा, वहीं बात कर लीजिए। ये टीचर क्यों नहीं बना? मजुमदार, मैंने तुम्हें सिर्फ एक काम कहा और तुमने 20 कॉल्स किए। इसने सिर्फ एक फोन किया और 20 चीजें पूछी, इसीलिए तुम अभी तक सब इंस्पेक्टर हो। मजुमदार। जी सर। उस कमरे में जो मुजरिम है उसे बाहर निकालो, कोर्ट ले जाना। ये पहला इंस्पेक्टर है जिसने अपने घर को ही जेल बना दिया है। चल चल बाहर आ, एसी में बहुत आराम कर लिया, वक्त आया है कोर्ट जाने का। चल निकल। सुनो, इसे खाना खिलाकर ही भेज। मटन बिरयानी खिलाओगे, चिकन बिरयानी? ये सरकारी दामाद है, हमारा नहीं। मुजरिम को जेल ले जाने के बजाय घर पे लेके आयो? इसे मैंने कल रात को पकड़ा था, सोचा इतनी रात को इसे पुलिस स्टेशन कहाँ ले जाऊँ, इसलिए यही लिया। वैसे यहाँ रुको या पुलिस स्टेशन में क्या फर्क पड़ता है, रहेगा तो अपनी निगरानी में। चलता हूँ बाबूजी। उंगली उंगली मारूंगी एक। बस इधर ही रोक देना, इन सबको कोर्ट में ले जाना है। मजुमदार, मैंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर से बात कर ली है, मैं जीप में आगे निकलता हूँ, तुम कैदियों के साथ बस में आ जाना। यस सर। ये क्या सर? इस आदमी को भागने का बड़ा शौक है, पिछली बार हमने इसे सीट से बांधा था तो सीट के साथ बस से कूद गया, तो इस बार बस के साथ बांध देना। सर आप मेरा प्रमोशन क्यों रोक रहे हैं? ये बस को भी भगा ले जा सकता है पर मुझे नहीं। ठीक है, जो करना है करो। वेलकम सर। ऐसे क्या घूर रहा है रावड़ी? आंखें निकाल के कोटे आंखें लूंगा। बदबू की दुकान बच्चे की लेगा क्या जान? अब तो मेरा प्रमोशन पक्का। अरे बस रोको ना, 1 नंबर आया मुझे। 2 नंबर आएगी तो भी बस नहीं रुकेगी, जो भी करना है यहीं पे कर। तो ये बात है। अपने साहब को भगा के ले जा रहा है।
गलती से गलत निशान लग गया। अरे मर गया, क्यों आलू की तरह मेरा पिछोड़ा छील रहे हो? टिकने से स्पार्क निकल रहा है। तू जलने की बदबू आ रही है क्या? सिर्फ जली नहीं है, जलकर कोयला हो गई है। जो थोड़ी बहुत बची है बचा लो, वरना कल के वांदे हो जाएंगे। अरे आजा मेरी गोदी में बैठ जा, चल। देखो कानून को हाथ में लेना गलत है, तुमने तो गोद में ले लिया। वहीं पर रुका नहीं तो मुझे लाठी चार्ज करना पड़ेगा। अरे सर आप कैसे लटक गए? तेरे बगल से पहले इतनी बदबू आ रही थी। सर उड़ी मारो, हम लोग कैच कर लेंगे। बगल की बात तो ठीक है, अब गैस मत छोड़ना वरना सलाइन चढ़ाना पड़ेगा। ठिकाना साहब, पुलिस वाला हो गया भी आपको भगा के लाया। जमदार साहब ये लो चाबी। आपने क्या हाल बना लिया? पहले तो पैंट खाली फटी थी, अब गीली भी हो गई। डिपार्टमेंट से बात करके कार ले लो। पेट्रोल के पैसे तू देगा? क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे शेर आ गया, भाई छोड़ो भागो। सिंगम के गांव में शेर क्यों नहीं आ सकता सर? 6 महीने पहले चिट्टी के साथ आया, खाती आया था। लगता है शेर ने उस हाथी से पता पूछ लिया होगा। पता क्यों गई? बिना ठंड के क्यों कांप रहा है? शेर है सर। शेर कहाँ? शेर कहाँ? उस तरफ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, लगता है मेरी निकल गई है। दो पैर वाला शेर। रुक साले शेर, तेरी तो पता कौन है तू? कौन से जंगल से आया? शेर को पीछे से झपटी। सिंघम के गांव वालों को डराता है। फीमेल शेर, कौन सी सर्कस से आई हो? आधी रात को इन कपड़ों में क्या कर रही? मैं तो बस। गांव कौन सा है? यही मेरा गांव है। हा? मैं गंगाराम की पोती हूँ। पागल हो गई हो? पूरा गांव तुम्हारी वजह से डर के भाग रहा है। मैं तो बस अपनी बहन को डराना चाहती थी, लेकिन सब गांव वाले। अकल से पैदल हो गया? गांव वालों ने मिलकर तुम पर हमला कर दिया होता तो, कोई गार्ड देता तो, और मैंने तुम्हें बंदूक से शूट किया होता तो। उल्लू की पट्टी, जाओ अपने घर जाओ। ये शेर का कॉस्ट्यूम कौन उतारेगा? तुम इतनी उदास क्यों हो? उल्लू की पट्टी कहा उसने मुझे, मैं तुम्हें उल्लू दिखती हूँ? उसने मेरे गाल पे चाटा मारा, मैं उसके दोनों गालों पे चाटे मारूंगी। काव्या मैडम, पागल हो गई है क्या? पुलिस वाले की सुनाई करेंगी? पुलिस वाला है तो क्या हो गया, मैं उससे बदला जरूर लूंगी। प्रिया मैडम, क्या हुआ? अपनी प्रेम की भाषा से इनमें प्रेम जगाइए। आप इसे जानते नहीं है, एक बार हम गाड़ी से जा रहे थे, तभी एक बाइक वाला वहाँ से आया और उसने इसे देखकर आंख मारी। अरे बाप रे, उसका पीछा किया और सिग्नल पे उसे ठोक दिया। बेचारे की हड्डी पसली एक हो गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या, दीदी ने उसे आंख मारी और हिसाब बराबर। ओ, ये आपने बहुत गलत किया, आंख मारने के लिए आपने उसे ठोकर मार दी। वो कहाँ मिलेगा ये बता? कल उसका गुरुवार है और वो गुरुवार को मंदिर जाता है। जैसे ही वो पूजा के लिए आंखें बंद करेगा, मैं उसे कस के चाटे मारूंगी और फिर हम भाग जाएंगे। दीदी सर, देख लिया, शेरनी माता रानी के दर्शन के लिए। सब इंस्पेक्टर साहब, मंदिर में पूजा करने आए हैं? नहीं, तेरी लुंगी में बॉम्ब रखने आए हैं। ये कोयले की दुकान एक दिन मेरे हाथ से मार खाने वाला है। काव्या मैडम, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दीदी यही मौका है, चौका मार दो। एक्सक्यूज मी सर, मैंने क्या पाप किया है? क्या बोल रहा है तू? ये आप अपने आप से पूछिए, इस खूबसूरत चेहरे पर मारने से पहले आपने सोचा नहीं? मैंने नहीं मारा। आपने नहीं मारा तो मुझे कैसे लगा? प्रसाद लो बेटा। पुजारी जी, मैंने आज तक रिश्वत नहीं ली और ना ही किसी लड़की को छेड़ा, तो मुझे चाटा किसने मारा? ऊपर वाले ने मारा होगा। वैसे मैं ही मिला। जय जय शिव शंकर। नारियल सर, आपको मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है? कभी चाटा कभी नारियल। अरे वहाँ फोड़ रहे हैं, गलती से उड़कर आ गया होगा। शेरनी यहाँ। हाँ तो ये हमें जेल में तो नहीं डाल देगा? शुभ शुभ बोल। कल रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरा मतलब है, तुम पर हाथ उठाकर मैंने अच्छा नहीं किया। मुझे लगा तुम कोई चोर हो, वैसे मैं कभी लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी। अगर तुम अब भी मुझसे नाराज हो तो तुम मुझे चाटा मार लो, मैं नाराज नहीं होऊंगा, फिटूस हो जाएगा। हाँ लेकिन गाल पर मत मारना, और कहीं भी चलेगा, हैंडसम होना चेहरा खराब हो जाएगा। चलता हूं।
दीदी क्या कहा उसने? डांट रहा था क्या? प्रिया ये जैसा सोचा था वैसा नहीं है, ये तो बहुत ही नेक दिल इंसान है। ये लीजिए मैडम, इस पत्थर से उसका सर फोड़ दो। उल्लू के पट्टे, इतने अच्छे इंसान को तुम मारने की बात कर रहे हो, इसे अपने ही सिर पे मार। उसने तो मीठी बातें क्या कर ली, इसने तो पार्टी ही बदल दी। हेलो भाई, हम यहाँ पहुँच गए। चोरा के थे, गेम खेल रहा है। एक घंटे में गेम खत्म हो जाएगा, हम उस पर नजर रखे हुए हैं। हेलो, सुबोध ठाकुर बोले। हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? थारा बाप, थारे बच्चे को किडनैप करने वाला हूँ। ए, कौन बोल रहा है? और ज्यादा फड़फड़ा मत, अभी तक किडनैप नहीं हुआ, पर हो सके थारे पास 2 घंटे का टाइम है। एक खोके का बंदोबस्त कर दे जल्दी से जल्दी। क्या, एक खोका? हेलो विनोद, तेरा बेटा मर गया है जिंदा, ये जानने के लिए फोन किया क्या? अभी गेम खेल रहा है पर कभी भी गेम बच सकता है। नहीं नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करो, मैं पैसे दे रहा हूँ। शंकर सेठ, मुन्ना का फोन है। क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि चेन्नई और हैदराबाद के बीच एक नई सीमेंट फैक्ट्री बन रही है, हर रोज वहाँ लाखों की डीलिंग होती है। ए, बोल उसे कि बाद में फोन लगाए, मैंने बार बार डिस्टर्ब ना किया कर। पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है, सिर्फ 50 लाख ही है। ओए, भाव ताव करना बंद कर। ला, बनने फोन दे। अबे तू सुधड़ा भाव है के? अपने बच्चे जिंदा देखने का शौक नहीं है? सिग्नल में भीख मांगते देखना चाहता है के? मैंने बताया कि रजिस्ट्रार के ऑफिस के बाहर तूने 5 करोड़ के नकली स्टैंप पेपर बेचे हैं। चाहता तो पुलिस वालों को बता देता। अपने बेटे की शक्ल वापस देखना चाहता है तो सीधे सीधे 1 करोड़ लेकर आ। जैसा वो कहते हैं करो। ये आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को प्यार ही नहीं करते। न माने मारते साड़े को। रिकॉर्ड को आया भाई। तू क्या बात कर रहा था? सीमेंट फैक्ट्री के बारे में। काम शुरू हो गया क्या? नहीं अब तक नहीं। उन्हें बिल्डिंग बनाने तो दे, अभी जाकर कुछ बोले तो वो लोग कंस्ट्रक्शन बंद कर देंगे और वो जमीन बेचकर कहीं चले जाएंगे। आधी बिल्डिंग बनने के बाद हम उनसे पैसा मांगेंगे। नाम क्या बिल्डर? राघवेंद्र नाग। रोकड़ा मिल गया, निकल लो छोरो। ठीक है भाई। हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी साला। बंदूक चढ़ाएगा तू? हमारे दाएं हाथ को भी नहीं पता कि हमारा बाएं हाथ क्या करता है। जो तुम लोगों ने दोबारा पब्लिक में बंदूक चलाई तुम्हारे से बुरा कोई नहीं होगा। एक एक को काट के फेंक दूंगा। भाई क्या भाई भाई कर रहा? तन्ने कितनी बार बोला कि किडनैप करने की धमकी देनी है, किसी को मारना नहीं है। अमीर लोग कमजोर दिल वाले होते हैं, धमके से उन साड़ों का पेशाब निकल जाता है। अब समझाए सुने। दादी माँ, क्या हुआ बेटी? मेरी चेन नहीं मिल रही, कहाँ रखी थी? अरे बेटी, चांदी की चेन के लिए क्यों इतना परेशान हो? नहीं दादाजी, वो चांदी की नहीं प्लैटिनम की चेन। अच्छा? थी, और उस पर एक सॉलिटेयर डायमंड भी लगा था, 4 लाख का था। 4 लाख? इतनी महंगी चेन तुम गले में पहनकर घूमती थी? अरे नौकरों से कहो घर में कहीं चेन गिरी है, ढूंढो उसे और पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट भी दर्ज करवाओ सिंगम के पास, समझे क्या? चलो हम पहुँच गए। सुनो ना, ये तुम्हारे साथ लड़कियाँ कौन हैं? ये आत्माराम स्वरूप जी की पोती है। अच्छा? इन्हें सिंगम से कुछ काम है इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया। ये रोशन स्वरूप की बेटियाँ हैं? कोई शक है? सिंगम, देखो तुमसे कोई मिलने आया है। तो शेरनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओ, मुझे चमाट मारने आई हो? ये क्या कह रहे हो, मैं तो कम्प्लेन लिखाने आई हूँ। सुनो माँ, वो लड़की कितनी सुंदर है ना, सिंगम की उसके साथ जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, क्या कहती हो? तो चेन कैसे खो गई तुम्हारी? पता नहीं, आखिरी बार कब देखी थी? रात को खाने के वक्त देखी थी। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती? कहने में थोड़ा चीप लगता है, कहूँ क्या? चीप लगता है? खाने से पहले हम सब लोग अपना चेहरा अपने प्लेट्स में देखते हैं, तभी मैंने अपनी चेन देखी थी। तुम्हें रात को नींद में चलने की आदत है? आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अब पुलिस हो ना, तहकीकात करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। रात को सोने से पहले तुमने क्या पहना था? नाइटी। तुम्हारी नाइटी शर्ट जैसे खुलती है या टी शर्ट जैसे? ये कैसा बेहूदा सवाल है? मैं तुम्हारी नाइटी की बात नहीं कर रहा, टी शर्ट जैसे खुलती है। ओ, मतलब वो चेन तुम्हारे नाइटी के हुक में अटक गई होगी, वॉशिंग मशीन में धोने से पहले चेक कर लेना, नाइटी में ही मिलेगी। वो तुम्हें एक के बाद एक गंदे सवाल पूछ रहा था, उसे शर्म भी नहीं आ रही थी। कौन सी नाइटी पहनती हो, कैसे निकालती हो? कहता है चेन हुक में फंसी होगी, ओवर कॉन्फिडेंट लग रहा था। हम खुद ही उसके पास कंप्लेन लेके गए थे, वो तो बस अपना काम कर रहा था। हा? दीदी नाइटी में तो डेफिनेटली नहीं होगी। मिल गई। माय बाप। फोन में? फोन नहीं, पीछे मुझे एक और
रिपोर्ट लिखानी है। अब क्या हो गया तुम्हें? किसी ने मेरे बकरे की पॉटी चुरा ली, रात को सोते वक्त जेब में ही थी। यही होगा वो कभी नहीं सर। अकेले मेरी तरफ घूर के क्या देख रहे हो? पहले इसका बकरा गया और फिर बकरे की पॉटी। एक काम करो, तुम अपनी सैलरी से इसे 1500 रुपए दे दो, इसे जाने दो। 1500 में क्या होगा सर? अब क्या प्रॉब्लम है? अरे मैं अपने बकरे की शादी करा के 4 बच्चों की बुकिंग करके रखा था, उसका हर्जाना कौन देगा बताओ मुझे? ए, तेरा बकरा कहाँ कहाँ गुल खिलाएगा ये मुझे मत गिनवा। चुपचाप पैसे ले और निकल यहाँ से। क्यों मेरा नुकसान कर रहे हो? वो 4 से 40 बनते और 40 से 400 बनते। 10 लाख का माल है, 5 में मांडवली कर दो। पासबुक और अकाउंट नंबर दूं? ब्लैकमेल, पुलिस वाले को ब्लैकमेल। काय का ब्लैकमेल? तुम्हारे खिलाफ सबूत तो झाड़ी में मिल ही जाएगा। सर ये तो बहुत चालू आदमी है, इसे पीछा कैसे छोड़ा है? मेरे पास एक आइडिया है। हेलो केरला पुलिस स्टेशन, मैंने कुछ दिन पहले एक मिसिंग बकरे की रिपोर्ट लिखवाई थी। उसका क्या हुआ? वाह वाह, केस सॉल्व हो गया। तुम्हारा बकरा कसाईवाड़े पर कटने ही वाला था, वो लोग बस लेकर आते ही होंगे। तुम फिक्र मत करो, घर जाओ, मैं लेकर आता हूँ तुम्हारे बकरे को। गो। कैसे चुना लगाया? एकदम पान वाले की तरह सर, आप तो एकदम माहिर हैं। लोग ऐसे ही मुझे शानदार मजुमदार नहीं कहते। ओ गधा प्रसाद, ये रहा तुम्हारा बकरा जिसे हम ले आए हैं। ले जाओ इसे, मुंह दिखाई बात नहीं। पहले इस पेपर पर अंगूठा लगाओ, इसमें लिखा है तुम पुलिस स्टेशन आए थे, कंप्लेंट लिखवाई, तुम्हें अपना बकरा मिल गया। अरे पर इसका मुंह क्यों ढका है? क्योंकि इसे स्वाइन फ्लू हो गया है। अगर तुमने ज्यादा बोला तो ये जाबाज ऑफिसर तुम्हारी दिल्ली हाईकोर्ट में कंप्लेंट कर देगा। फिर क्या होगा? तुम्हारे सारे कपड़े उतार कर तुम्हें डंडे मारेगा। पाटिल अंगूठा ले उसका। ओके सर, काम ओवर, हैंड ओवर, इसका बकरा इसे दे दो, हमें बहुत से काम है। सबसे पहले तो ठंडा पीना है, चलो चलो जल्दी आओ। पूजा की थाली लेकर आओ, दूल्हा घर आ गया है। अरे ये क्या, ये तो बकरा नहीं है। क्या बकरे हो? कैसे आना हुआ? मैं कंप्लेन लिखाने आई थी, मेरा सेलफोन चोरी हो गया। सेलफोन चोरी हो गया? चोरी नहीं, पिछली बार की तरह हुक में अटक गया होगा। कहाँ रखा था तुमने? रात को मम्मी को गुड नाइट कहने के लिए फोन किया था और उसके बाद सुबह मिला ही नहीं। वैसे तुम्हें नींद में चलने की आदत तो नहीं है, पर चीजें घुमाने की आदत। जानबूझ के थोड़ी कर रही। तुम रात को किसके साथ सोती हो? इसके साथ। आप मेरे सामने ऐसे क्यों देख रहे हो? I have my latest Android phone. तुम अपना फोन अक्सर कहाँ रखती हो? साइड टेबल पे रखती हूँ। तुम्हारा बेड खिड़की से कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं। तुम्हारे रूम की खिड़की खुली थी? एसी रूम है, खिड़की तो बंद ही होगी ना। इतनी ठंड में भी तुम्हें गर्मी का एहसास हो रहा है? तुम्हारे साथ रहती है, उसने फोन नहीं लिया, कमरे की खिड़की बंद थी, मम्मी को गुड नाइट बोला और फिर फोन चोरी हुआ। इसका मतलब फोन तुम्हारे ही पास है। ये क्या कह रहे हो? वो फोन जरूर कहीं ना कहीं उस कमरे के अंदर ही होगा, बस साइलेंट मोड पर होगा इसलिए बज नहीं रहा। तुम्हारा फोन नंबर दे दो ना, मिलते ही फोन कर दूंगी। 100 डायल करो, फोन पुलिस स्टेशन में लग जाएगा। मिस शेरनी, क्या आपको सिंघम का नंबर चाहिए? हमको कोई नंबर नहीं चाहिए। डायरेक्ट लाइन के बीच में क्रॉस कनेक्शन क्यों कर रही है? नंबर चाहिए? हाँ चाहिए। 100, ये नंबर तो सिंघम ने भी दिया था। उनके 100 का मतलब फोन, मेरे 100 का मतलब बापू। 100 रुपया ज्यादा है, ये लो 50। 9842250 में 5 नंबर। 58515 मेरा नंबर चाहिए तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। मिस कॉल देना, फोन मैं करूंगा। पुलिस वाले, मैं नहाकर बाहर निकले तो मेरे झुमके गायब हो गए। तुम्हारे झुमके गायब हो गए? हाँ। तुम्हारी नाइटी शर्ट जैसे खुलती है या टी शर्ट जैसी? नहाने से पहले क्या तुम अपने कपड़े ऊपर से उतारती हो या सामने से उतारती हो? घर जाके अपनी माँ बहन से पूछ। सिंघम सर ने जब यही सवाल किया तो सामने वाले ने उनका फोन नंबर लिया और मुझे इस गाल पे एक चाटा मिला। कोई खुद का सेलफोन छुपा के कंप्लेन करता है वो पुलिस वाला है, पागल नहीं। प्रिया, पागल वो नहीं, पागल तो मैं हो गई हूँ। तुम क्या कह रही हो? मैंने अपना फोन कन्ना लीवर को दिया था छुपाने के लिए। ऐसा क्यों? जिस दिन सिंघम ने मुझे शेरनी के कपड़ों में पकड़ा था उस दिन सिर्फ हाथ नहीं पकड़ा तो था, फिर पैर भी पकड़ा था। उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया था। हा? ऐसा लग रहा था कि मैं उसे कई जन्मों से जानती हूँ। दीदी, और कोई नहीं मिला तुम्हें? नमस्ते सर। आप? मैं तो इधर से गुजर रहा था, आपकी बिल्डिंग देखी, सोचा बनाने वाले को भी देख लूं। मुझे खुशी है कि आप हमें मिलने आए। ताऊ जी कौन से गांव से हो? यही का हूं। अच्छा। पर कई सालों से मैं यूएस में रहता हूं, पर बच्चे चाहते हैं कि हमारा यहां पर भी एक घर हो। परिवार बड़ा होने की वजह से मैंने ये ग्राउंड ले ही लिया। यहाँ तो 2 ग्राउंड से, 1 ग्राउंड की कीमत 1 करोड़ तो होगी। आर यू जोकिंग? यहाँ 1 ग्राउंड की कीमत 12.5 करोड़ है और दोनों को मिला के 25 करोड़। कई भैंस पानी में। आपने कोई परेशान करे तो मन्ने फोन करो। कौन करेगा? आजकल ताऊ जी पैसे के लिए लोग जान भी ले लेते हैं। भला मुझसे पैसे लेने कौन आएगा? आएगा के? आ गया है ताऊ, मैं थारे से पैसे लेने ही आया हूँ। ये अचानक तो मुझसे कैसी बातें कर रहे हो? सुनता हूँ, कल 5 करोड़ हमारे पास भिजवा देना, फिर तन्ने कोई परेशान नहीं करेगा। नहीं नहीं,
मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तो मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बुलाऊंगा, इनकम टैक्स को फोन घुमाऊंगा। ताऊ थारी ये जमीन 25 करोड़ की है, इस मशीन में रिकॉर्ड कर लिया हमने। स्टैम्प पेपर में लिखा है ताऊ कि तूने इस जमीन का 10 करोड़ दिए हैं। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बुला लिया तो बताया क्या होगा, हर न्यूज चैनल पे आ जाएगा कि अमेरिका से आए बुड्ढे ने 15 करोड़ का घोटाला किया है। तो ताऊ तन्ने 20% फाइन और जेल ऊपर से। अगर तू फाइन भरने को तैयार है और जेल जाने को तैयार है तो दिन दहाड़े थारे इस प्लॉट में 2 लाशें गाड़ दूंगा और एक लड़की लेकर आऊंगा जो खुद अपने कपड़े फाड़ कर बोलेगी कि दिन दहाड़े इस बुड्ढे ने मारो रेप क्यों है। अब बोल ए, ज्यादा मंडरा, पैसा देने से पहले ही मर जाएगा। चल बुड्ढे ने मारो रेप क्यों है, अब बोल। माय गॉड, बेटा मैं यहाँ 25 साल पहले तुम्हारी दादी के साथ फिल्म देखने आया। हाउ रोमांटिक। अब आ रहा हूँ। आप डैडी को बोल के ऐसा केटर अपने गांव में क्यों नहीं बनवाते? हाँ मैं उससे बात करूंगा। अच्छा तुम लोग वहाँ चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए आता हूँ। हाँ, एक कॉइन देना, मुझे वेट चेक करना है। दीदी क्या कर रही हो? चप्पल तो उतारो, तभी तो सही वेट आएगा। You're right. कपड़े भी उतार दो अपने, फिर और भी अच्छा वेट आएगा। हिम्मत भी कैसे हुई मेरी पोती को ये बोलने की? तुझे अभी मैं बताता हूँ, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं कौन हूँ जानता है क्या तू? तुझसे तो मंदिर का घंटा तक नहीं बजेगा, तो मुझे क्या मारेगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे है? बहुत गर्मी चढ़ गई है ना तुझमें और उस बुड्ढे में, दोनों की गर्मी अभी निकाल दूंगा मैं। वैसे भी जितने मजे तुझे मैं करवा सकता हूँ, ये बुड्ढा कहाँ करवाएगा? दिमाग तो नहीं खराब हो? अरे ये मेरी पोती है। अबे तेरी पोती हो या बेटी, मुझे क्या? चुप रहे, अगर मेरे गांव वाले यहाँ होते तो वो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देते। जाके गाँव वालों को लेकर आ, मैं इधर ही बैठा हूँ। उसने हमारी बेटी की इज्जत उछाली और ये देखकर तुम्हारा खून नहीं खोला, लेकिन मैं चुप नहीं बैठने वाली। उसने सांप के बिल में हाथ डाला है। किसे फोन कर रही है? मेरे एक फोन पर ही उसके धज्जियां उड़ जाएंगी। तेरे दादा की तरह मैं चुप नहीं बैठ। दादी अगर डैडी को पता चला तो वो हमें कभी यहाँ नहीं भेजेंगे। आखिर बात क्या है, मुझे तो बताओ। मैं बच्चों को सिनेमा दिखाने के लिए थिएटर ले गया था, वहाँ एक गुंडे ने काव्या के साथ बदतमीजी की। गुड मॉर्निंग, फिल्म खत्म हो गई? नहीं बस होने ही वाली है। जाओ गेट बंद करो, गेट बंद करो। कोई यहाँ से जाना नहीं चाहिए। यही रुकिए। रुक जाइए, पीछे हटिए, थोड़ा पीछे हटिए। तुम में से किसी ने इस लड़की के साथ बदतमीजी की है? आज उसे बीच बाजार नंगा करके नहीं मारा तो मेरा नाम भी सिंघम नहीं। एक बाप की औलाद है तो सामने आ, झुक कर क्या बैठा? जल्दी से सिनेमा हॉल आ जाओ। काव्या तुम बताओ कौन है वो? क्या ये है? ये है? पहचानो उसे, आज उसकी मौत उसके सामने खड़ी है। अरे हमने क्या किया, हमको तो जाने दो। ए, कौन बोला 5 मिनट रुक नहीं सकता? जहाँ एक लड़की की इज्जत का सवाल है और तुझे घर जाने की पड़ी है, इसकी जगह तेरी बहन होती तो हट। पुलिस की वर्दी में तो कुत्ता भी शेर बन जाता है, और फिर तेरे पास तो गन भी है। दम मैं तो उतार गया। ये ले, मैंने वर्दी निकाल दी है। शेर शेर होता, चाहे वर्दी में हो या बिना वर्दी।
लड़कियों को छेड़ेगा। ये लो बहन तुम्हारा दुपट्टा। देखा पुलिस वाले की बीवी होने का कितना फायदा है। उस बुड्ढे ने फांसी लगा ली और अपने बेटे को इस बारे में एक ईमेल भेज दिया। कमिश्नर साहब को एम्बेसी से प्रेशर आ रहा है इसलिए एफआईआर लिखनी पड़ी। तो मारा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहा है? टेंशन को ले रहे हैं। मैं हूं ना भाई, मैं आपकी बेल का पूरा इंतजाम करूंगा। थारी भैंस की पूछ, मंत्री 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 को फोन लगा। अरे जगह रुको ना भाई, मंत्री को फोन करके मैटर को बड़ा न करें। अगर आप अरेस्ट हो भी गए तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आप अरेस्ट हो गए हैं। भाई ये एम्बेसी मैटर है इसलिए ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है। मारे अरेस्ट होने के बाद कुछ करेगा? समझिए ना, ये आपके लिए छोटा सा टूर होगा। आपके जेल जाने से पहले मैं आपके लिए बेल लेकर आ जाऊंगा। इसी बात की तो पगार लेता हूँ मैं। बेल तो मिली है लेकिन ये कंडीशनल बेल है। आपको बस 15 दिनों के लिए हाजिरी देनी है पुलिस स्टेशन में। नेल्लूर पुलिस स्टेशन? ये तो विजयवाड़ा के पास हुए। वो नेल्लूर है, ये नल्लूर पुलिस स्टेशन है जो टूटीकोरण के नजदीक है। तो प्रॉब्लम के ये गौरी शंकर कब काम आवेगा? साइन वो करेगा? अरे मेरा कोई भी टपोरी चला जाएगा साइन के लिए। तुम बस भाई का साइन फैक्स कर दो, मैं हूँ ना, बाकी मुझ पर छोड़ दो। सब फैक्स चाहिए। अरे ये मच्छी बाजार नहीं है। सिंघम एक पुलिस वाले के सामने कैसे बैठ सकते हैं? क्या कह रहे हैं चाचा, मैं पुलिस वाला बाद में, पहले आपका बेटा हूँ। बैठ जाइए। मैं मानता हूँ ये इतने दिनों से जो कुछ भी कर रहा है सब गलत है, लेकिन आप इस तरह कानून हाथ में नहीं ले सकते। ये आपकी बेटी से प्यार करता है, सिर्फ उसकी एक झलक के लिए पूरा दिन रास्ते पर खड़ा ये रहता है। पानी के बहाने मेरे घर पे आके मेरी बेटी को घूरता रहता है, सारा दिन पानी मांगता रहता है। चाची हमारे गांव की लड़कियां शहर की लड़कियों की तरह घर से बाहर नहीं निकलती, मान मर्यादा में मानती है। तो आपकी बेटी को देखने ये घर नहीं आएगा तो और कहां जाएगा? लेकिन अगर आप लोग इसे इस तरह मारेंगे तो इस नौजवान को समझाएगा कौन? आपका बेटा समझदारी की बातें करता है, इसीलिए तो पुलिस में। ना ही इन परिवारों के बीच, हमारे बीच कुछ होगा तो वो है सिर्फ प्यार होना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमें इनकी शादी करवा देनी चाहिए। शुभ्रतो अगर चोरी छुपे उसके घर गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ ठीक है। आ गया, अब हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, गले मिलो, चलो मुस्कराओ। हाँ चलो सब अपने अपने घर जाओ, जाओ जाओ। चलता हूँ। जी बाबूजी। सर जी आपने दो मर्दों को आपस में गले मिलने के लिए कहा, लेकिन अगर इनमें से एक औरत होती और एक मर्द होता तो आप क्या करते? मैं तुझे यहाँ मारूं या फिर घर ले जाकर? ये शेर एक को माफ करता है लेकिन ये चिता एक को साफ करता है। गवर्नमेंट कहती है कि पेड़ पौधे उगाओ, लेकिन इन दोनों ने तो सारी फसल चेहरे पे उगा ली है। तुम्हारा एक पैर कब्र में है और दूसरा केले के छिलके पर। अगर इतना जोर से चिल्लाओगे तो हार्ट फेल हो जाएगा। जाओ जाओ ऐश करो, जाओ। आगे चाय की दुकान पे रोके ना सर, फ्री में हाफ ऑफ कटिंग हो जाए। ऐसे भाग के कहाँ जा रही हो? एक चोर मेरा ब्रेसलेट ले गया और मुझे चोट लग गई। चोट लग गई? क्या बात कर रही हो, जरा दिखाना। येलो साड़ी, तुमने चोर को देखा? मैं 24 घंटे इसके साथ थोड़ी ना रहती हूँ। तो 24 घंटे तुमको इसके साथ रहना चाहिए ना। जो कुछ भी हुआ है जाकर दादाजी को बताओ, जाओ। लेकिन ब्रेसलेट? देखो तुम बाहर मत निकलो, घर में ही रहा करो। कभी चेन, कभी मोबाइल और आज ब्रेसलेट। मैं कह रहा हूँ ना, चुपचाप घर जाओ, जाओ। चलो यहाँ से। फोकट में इतना क्यों झाड़ दिया सर? झूठ बोल रही थी। सच में? इसके हाथ पर लगा वो घाव किसी चोर ने नहीं, इसने खुद लगाया था। वैसे ये है तो अच्छी लड़की, फिर पता नहीं ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। इसका मोबाइल चोरी हो गया था ना, नंबर है, एड्रेस भी है, फोन लगाना। इस रूट की लाइनें व्यस्त थे, बाद में मौका देख के फोन। नंबर सही है, डेस्टिनेशन गलत है। फिर से ट्राई करो। इस गाने को कॉलर ट्यून बनाना है तो स्टार का बटन दबाइए। ये नंबर फिलहाल व्यस्त है। ये तो गाना लीवर की आवाज है, कहाँ मिलेगा? आवाज बना बना के केड़ा बना रहा है। जिस थाली में खाता है उसी में होल करता है। नहीं नहीं मैंने चोरी नहीं की। ये सारी चीजें तेरे पास कैसे आई? मैं वो तुझसे सब उगलवाना ही होगा। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैडम ने ही मुझे ये सब छुपाने के लिए दिया था साहब।
प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? ये ले। पुलिस की आंखों में धूल झोंकोगी? खुद ही जाकर सारी चीजें सुनील को दे दी और पुलिस को गुमराह कर रही हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे शहर में ये सब चलता होगा, पर हमारे जज्बातों के साथ मत खेलो। तुमने तो कहा था कि उस लड़की को देखने के लिए बहाने बनाने पड़े, तो मैंने भी बहाने बनाए तुम्हें देखने के लिए। मुझे देखने के लिए? जब एक लड़की एक लड़के को देखने के लिए बहाने बनाए तो उसका क्या मतलब हो सकता है? क्या? यही कि वो उससे प्यार करती है, अपनी जान तक दे सकती है उसके लिए। बस कर, पगली रुलाएगी क्या? मुझे कभी भी किसी से इतना लगाव नहीं हुआ। मैंने जब से तुम्हें देखा है मेरे दिल में गिटार बजने लगे, दिन का चैन और रातों की नींद सब गायब हो गए। तुम्हारी खुददारी की मैं दीवानी हो गई। एक लड़की अपने होने वाले जीवन साथी में क्या ढूंढती है? यही कि वो उसे ढेर सारा प्यार करे, जिम्मेदारी उठाए, और ये सारी बातें तुम में है सिंगम। आई लव यू। जवाब तक नहीं दिया, पता नहीं और कितना तड़ पाएगा। एकदम उल्लू का पट्टा है। क्या कहा? मेरा दिमाग खराब था जो तुमसे प्यार किया। अगर तुमने मेरे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोचा भी ना, तो मैं तुम्हारे पुलिस स्टेशन में तुम्हारी कंप्लेन लिखाऊंगी कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और अगर उसके बाद भी तुमने किसी और से शादी की ना, तो मैं तुम्हारी शादी तोड़ाने भाड़े के बच्चे लेके आ जाऊंगी। आगे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारे लिए जहर भी पी सकती हूँ। इमोशनल ब्लैकमेल। मेरा बलमा। हार्ट अटैक दे गई, जान लेगी ये। काव्या, हाँ? तुम्हें तो प्यास लगी थी ना? मेरी प्यास तो बुझ गई भाभी। अब भाभी कहाँ? अब ये घर पे भी आने लगी। सुनो ना, काव्या ने मुझे भाभी क्यों बुलाया तुम्हें पता है? उसने तुम्हें गाली तो नहीं दी है ना? फिर छोड़ो, मजाक मत करो, बताओ ना। तुम्हारी उम्र कितनी है? उससे बड़ी हूँ। तो फिर कोई भी 18 साल की लड़की 35 साल की औरत को क्या बुलाएगी? वो दीदी भी तो बोल सकती थी। चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ती जा रही है, तुम्हें ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत है। दीदी बनने चली है। मैंने ऐसा क्या कहा जो इतना भड़क गए? गुड मॉर्निंग सर, इसे 15 दिन तक साइन करने के लिए बोला गया है। गुड मॉर्निंग सर। साइन किया उसने? कंडीशनल बेल की फाइल में साइन किया। कहाँ से आया था? चेन्नई से सर। चेन्नई से? फाइल में यही लिखा है। वो तो हमारे किसी गांव वाले से बात कर रहा था, वापस बुलाओ उसे। ओ भाई साहब, इधर आओ, हमारे इंस्पेक्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। नमस्ते सर, क्या हुआ? नाम क्या है? शंकर सेठ। बाप का नाम? बाप का नाम? बाप का नाम याद नहीं आ रहा, क्यों? तुम्हारी माँ ने बताया नहीं? आईडी दिखाओ। सर जाने दो ना, हम लोग गौरी शंकर के आदमी हैं। अरे आपको क्या करना है, साइन से मतलब है ना? शंकर सेठ करे या मैं करूँ? सर जी मेरा नाम गौरी शंकर है, आपने बुलाया हम चले आए। मेरा बोलबाला तो पूरे देश में चल रहा है, मंत्री से लेकर संतरी तक सबके साथ उठना बैठना है। सब लोग मुझे अपना अजीज समझते हैं, इसलिए मुझे उनका काम करना पड़ता है। उनकी खुशी में सबकी खुशी है, उसके लिए तो मैं किसी भी हद को पार कर सकता हूँ। पूछिए इससे। शंकर सेठ कहाँ? अरे वो तो चेन्नई में है, अब हर दिन साइन के लिए यहाँ तो नहीं आ सकते। साइन ये करे या वो करे क्या फर्क पड़ता है? फर्क आमदनी से पड़ रहा है। 9:30 बज रहे, 3 घंटे में तेरा शंकर सेठ मुझे इस पुलिस स्टेशन में चाहिए। 3 घंटे में कैसे आएंगे? चल के आए, दौड़ के, ट्रेन से या फ्लाइट से, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। 3 घंटे के अंदर मेरे सामने होना चाहिए, और अगर नहीं है तो उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल कर खुद चेन्नई जाकर उसे घसीटता हुआ यहाँ ले आऊंगा। ट्रेन लेट हो गई, फ्लाइट छूट गई, मौसम खराब था, रास्ते खराब थे, ट्रैफिक जाम था, पेट में दर्द, सिर में दर्द, उल्टी, लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, कोई बहाना नहीं चलेगा। कहना सिंघम ने बुलाया, जा। Thank you. Have a nice day. Come on.
बस आते ही होंगे। उसने बोल शंकर से डाया। अरे कौन है ये जो इतना उछल रहा है? सर यही है वो सिंघम। आइए सर। ये सफेदी की चमकार कौन है? यही शंकर सेठ है। तो साइन लेकर भेज दो। यहाँ सर पकड़ के क्यों बैठे? सर इसने कहा कि आपको मिले बगैर नहीं जाएगा। ए, ए, ए! औकात क्या है तेरी? पता भी मैं कौन हूँ? जानता है मारी पहुंच कहाँ तक है? चिल्ला मत, क्रिमिनल है तू। तेरी केस रिपोर्ट पढ़ी है मैंने। तूने एक बुढ़े को धमकी दी और उसने खुदकुशी कर ली। तू ही शंकर सेठ है, इसका क्या प्रूफ है? आईडी दिखा तेरा, दिखा। बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, अब क्या हुआ? बेटा कोई लफड़ा तो बता, इसे यहीं पे गाड़ देंगे। ये छोटा मोटा गुंडा है, मैं संभाल लूंगा, आप लोग जाइए यहाँ से। क्या छोटा मोटा गुंडा है? गाड़ियाँ भर के लोगों को लेके आए, हम भी 10 ट्रक हथियार भर कर लाए। अरे चाचा आप राई का पहाड़ बना रहे, जाइए यहाँ से। देखो बेटा आज अगर इसने कोई बवाल किया तो ये अपने पैरों पे वापस नहीं जाएगा, चार कंधों पर ही जाएगा, मैं कह देता हूँ। हम बाहर ही बैठे। क्या तमाशा लगा रखा? कोई कुछ भी बोले चला जा रहा है, मैं कोई मंदिर का घंटा जो बजा रहा है। इसके चमचे को बाहर निकालो यहाँ से, बाहर निकालो। सुन रे छोरे, मारी एक आवाज से थारी खाट खड़ी हो जाएगी, अब भी की अब भी काट के रख दूंगा, अब भी की अब भी। तुम्हारे ससुर की गाड़ी है क्या? रुक जाओ। क्या कर रहे हो? रुक जाओ। कोई हमारे गांव में आकर तुम्हारी बेइज्जती करे ये हम सह नहीं सकते। पूरा गांव तुम्हारे साथ है, तुम बस आवाज दो। शांत हो जाओ, मैंने कहा शांत हो जाओ। गांव वालों ने जमा करके मन ने डरा रहा है। तो भाई लोग बावरे हो गए, निकलने में ही भाई है। किशन क्या कर रहे हैं? गाड़ी से उतर। सिंघम भाई चाहो तो मुझे जेल में डाल दो, लेकिन आज जैसे मैंने सलिया इसकी गाड़ी में घुसाया वैसे मैं इसके अंदर डालूंगा। सिंघम भाई बोलो तो काटना शुरू करूं। सुन लिया तूने, देख लिया तूने, समझ गया तू? तूने आवाज लगाई तो ये लोग जमा हो गए, मैंने दहाड़ लगाई तो क्या होगा जानता है? तेरी गीदड़ भपकियों से सिंघम नहीं डरता। तूने क्या सोचा, मामूली सा इंस्पेक्टर होगा, गांव में जाके डराऊंगा धमकाऊंगा तो डर जाएगा? इसी मिट्टी से पैदा हुआ हूँ, यहाँ पीछे खड़े हर एक आदमी से मेरा रिश्ता है, ये मेरे अपने हैं। तूने मुझे छुआ तो ये तेरे टुकड़े टुकड़े करके तुझे चील कौओं को खिला देंगे। चुपचाप रजिस्टर पर अंगूठा लगा और दफा हो जा। भाई दा। अगले 14 दिन भीगी बिल्ली की तरह आके अंगूठा लगाना, क्योंकि मेरी हटेगी तो सबकी फटेगी। गुस्सा थूक दीजिए भाई, गुस्सा थूक दीजिए, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अरे कल का छोकरा नया नया पुलिस वाला बना है, उसे देख लेंगे भाई। अरे तू भाई को समझाना, बैठिए ना गाड़ी में। ये कांच के मारे वास्ते बचा के रखा था। पता कर लियो भाई, उसकी पोस्टिंग दूसरे शहर में हुई है, सीएम मदद कर सकता है हमारी। उससे क्या होगा, उसकी पोस्टिंग अपने शहर में। उस खाकी वर्दी ने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई, अब हम उसकी उड़ाएंगे। तुम दोनों को अगले साल वापस आना ही होगा। काव्या अपने गले की चेन का ख्याल रखना। पापा के सामने सारा सामान आ जाए। सुनो रोशन, रास्ते में अपनी जो देवी का मंदिर आता है वह दर्शन करते हुए जाना, पिछली बार नहीं गए थे तुम? अभी हर साल यहाँ आते रहना जरूर। ऐसा इंतजाम अगले साल भी करना। नमस्ते। क्या रोशन भाई, अभी अभी आए और अभी जा भी रहे हो? अरे भाई थोड़े दिन हमारे पास और रुक जाओ। किसी काम से मुझे? अरे काम तो पूरी जिंदगी करना है, लेकिन आपको हमारी बेटी की शादी में जरूर आना होगा। हाँ जरूर आऊंगा। लड़का क्या कर? अरे अच्छे घर का है, अच्छा कमाता है, पुलिस में है। अपना दामाद बनाने के लिए पुलिस वाला ही मिला तुम्हें? क्यों भाई, बड़े कामचोर निकम्मे और रिश्वतखोर होते हैं। देखो जरा सोच समझ कर बोलो, पुलिस वालों का काम होता है कानून की रक्षा करना, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके सर पर होती है और तुम कहते हो वो कुछ करते ही नहीं। कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचा करो। आप, मैं तो ऐसे ही बोल गया। तुम ऐसे ही सबके सामने कुछ भी कैसे बोल सकते हो? तो मैंने क्या गलत कह दिया? मेरा बेटा पुलिस में है, जो आदमी खुद गलत काम करता है उसे ही पुलिस वाले पसंद नहीं आते। तुम ये उल जुलूल बातें जाके शहर में दीदी वहाँ देखो, तुम्हारी भी 2 बेटियां हैं। एक की शादी पुलिस वाले के साथ ही होगी, देख लेना। जिन पुलिस वालों को तुम गालियां दे रहे हो आज उनकी वजह से ही तुम महफूज हो, वो तो अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं, पर ये सब तुम कहाँ समझोगे? आदमी की सोच ही बताती है कि वो सही है या गलत।
तुम कह रही थी कि तुम मेरी शादी रुकवा दोगी। सच में रुकवाओगी? इतनी हिम्मत है तुम में? हाँ है हिम्मत। I can do it. I will do it. I know you can't do it. कुछ भी। प्रिया मेरे बारे में बता जरा। अगर मेरी शादी रुकवाई ना तो तुम्हारी भी रुक जाएगी। What? भला ऐसी कौन सी लड़की होगी जो खुद की शादी रुकवाना चाहेगी? हाँ दीदी, इनडायरेक्टली वो तुमको हाँ कहकर चला गया। सोच क्या रही हो, तुमसे प्यार करता है। ए शेरनी, हाथों में मेहंदी लगा ले। सच्चा आशिक हूँ, नहीं मानी तो उठा के ले जाऊंगा। प्रिया मैं बहुत खुश हूँ, मुझे नाचने का मन कर रहा है। ये कौन है? वही खड़ूस बाप का खड़ूस बेटा। अबे ओ चिड़िल चमन, अगर तू एक बाप की औलाद है तो मेरे खेत में बैर नहीं रखेगा। बैर रखना तो क्या, मैं तेरी जमीन में पूरा का पूरा आके सो जाऊंगा। एक ही गांव में रहने के बावजूद इस औरत से तुम लड़ रहे हो, शर्म नहीं आती? सर खेत का मामला है। एक औरत होने के बावजूद तुम इस पर चिल्ला रही हो? जमीन के टुकड़े के लिए चिल्ला? जमीन के टुकड़े के लिए तुम झगड़ रहे हो? तुम दोनों को जेल की हवा खिलाऊंगा तब अकल ठिकाने आएगी। वापस झगड़ोगे? नहीं झगड़ेंगे, आपकी कसम। क्या सोच रहे हो सर? मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम भी वही करें जो सिंगम सर करते हैं। क्या सर? छप्पी, हैंडशेक, हाथ मिलाओ, अब गले मिलो, गले मिलाओ। देखो मैंने दोनों के झगड़े को कैसे प्यार में बदल दिया। इसी तरह अगर पूरे देश के लोग ऐसे ही गले मिलते रहे तो लोगों के बीच के झगड़े गायब हो जाएंगे। हमें इस बारे में गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए। दीदी खाना देना। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? ये क्या है सिंगम? भैया तुम्हारा शहर में ट्रांसफर हो गया और इस लेटर को आए 4 दिन हो गए और तुमने हमें बताया नहीं। तुम हमें चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे या फिर हमें बिना बताए यहाँ छोड़कर शहर जाना चाहते थे? ये क्या कह रही हो माँ? वो मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए। प्रमोशन नहीं चाहिए, ये क्या कह रहे हो? दरअसल पोस्टिंग चेन्नई में हुई है और मुझे वहाँ नहीं जाना। लेकिन क्यों? मैं कैसे जा सकता हूँ? आप लोगों के बिना मैं नहीं रह सकता। बेटा तुम्हें अपनी काबिलियत की वजह से प्रमोशन मिली है और ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। हमें तुम पर गर्व है। हम भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम्हें पता है कि मुझे तुम पर कितना गर्व हुआ जब तुमने उन दोनों परिवारों को समझाया? लोगों को तुम्हारी बहुत जरूरत है बेटा, और आज तुम्हारे प्रमोशन पर भी मुझे गर्व है सिंघम। मुझे पता है तुम जाना नहीं चाहते, लेकिन बाऊजी आपकी खुशी में ही मेरी खुशी। हेलो शेरनी स्पीकिंग, क्या कर रहा है मेरा सिंघम? बस गार्डन में घूम रहा हूँ। सुनो ना, फ्लाइट पकड़ के यहाँ आ जाओ, साथ में डिनर करने जाएंगे। तुम बुलाओ और मैं ना हूँ, ऐसा हुआ है? इसे कंप्लीट करवाने के बाद सबमिट करता हूँ। जी सर। बना के दे दो और आपको काली चलेगी। अरे तुम्हें पता नहीं है मैं क्या पीता हूँ? मेरा मतलब आपको अलग अलग टेस्ट करने की आदत है ना। सुनो जल्दी बालकनी में आ जाओ। क्या हुआ? तुमने न्यूज में नहीं सुना? चेन्नई में भूचाल आ गया। क्या? यहाँ तो कहीं भूचाल नहीं है। भूचाल आसमान में नहीं जमीन पर है। हाय हिला के रख दिया ना। तुम इधर यूनिफॉर्म और जीप में? आई एम सिंघम, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस चेन्नई। इंस्पेक्टर ऑफ चेन्नई? यू इरिटेटिंग, इंटरेस्टिंग, आई लव यू फॉर दिस। सुनिए ना पुलिस, आपने कोई लफड़ा तो नहीं किया? कहाँ, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले बता देता तो तुम्हारी ये खुशी कैसे देख पाता? आई एम सो एक्साइटेड, अब तुम्हें मैं हर दिन मिलूंगी। बाय बाय। डैडी मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हारी भी दो बेटियां हैं, एक की शादी पुलिस वाले के साथ ही होगी, देख लेना। ये सब उसी बनिए का काम है। तो आज रात डिनर पे मिल रहे हो? किससे बात कर रही हो? किससे बात कर रही हो बताओ? हा? तुम इंडिया की सबसे बड़ी साइकिल कंपनी के मालिक की बेटी हो, समझ गई तुम? बाप की इज्जत मिट्टी में मत मिलाओ। पहले उस हवलदार का नंबर डिलीट करो, हटाओ। अपने आप को बहुत बड़ा पुलिस वाला समझता है। काव्या, प्रिया ने कहा वो अपने ही गांव से है, उसकी फैमिली क्या करती है? उनका जनरल स्टोर है,
क्या दामाद चुना है। मैं तुम्हें राशन की लिस्ट दे दूंगी, तुम मुझे सामान भेजती रहना। माँ, अगर कभी हमारे घर में चोरी वोरी हो गई तो हमें पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत ही नहीं, हम दामाद को ही घर बुलाएंगे। माँ आप बिना आती हूँ। दीदी, डैडी ने नंबर डिलीट करने को कहा था, अब क्या करोगी? कर दिया। क्या? डैडी का नंबर। क्या रे, तू हमारे आदमियों को बार बार उठाकर लेकर आता है? अब तक टाइम पर मिल जाता ना तेरे को? इतनी चर्बी क्यों चढ़ी है? लगता है तेरे ट्रांसफर का बंदोबस्त करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। सब इंस्पेक्टर रवि कुमार, क्राइम ब्रांच, वेलकम सर। सर ये इंस्पेक्टर भरत। सर ये हमारे कॉन्स्टेबल्स। हेलो सर, वो है इंटरोगेशन रूम और सर वो रहा आपका रूम। चलो सर, हमारे अंडर 12 इलाके आते हैं पर ज्यादातर प्रॉब्लम तीसरे इलाके में होती है, बाकी सब नया चिकना कौन है रे? चल बाहर जा। चिल्लाता का रात को मिलना आके, मस्त ठंडा ठंडा तेल से मालिश करेगी तेरे को। मैं पसीने छूट गए, झटका लग गया, लगना भी चाहिए। झटके देने के लिए तो तन्ने यहाँ बुलाया है। सुन रे, थारे डिपार्टमेंट ने तो सिर्फ थारा प्रमोशन किया है, लेकिन इस थाने में थारी पोस्टिंग करवाई है मैंने। रे, इस नक्शे में जिस गांव का नाम भी नहीं है, उस गांव में मन्ने बुला के तूने मारी पुछ लगवा दी। अब मैं यहाँ थारे पुछ लगवाऊंगा, क्योंकि अब तू हमारे एरिया में है। साढ़े बेजती की पारी अब थारी, घूण के आंसू रुलाऊंगा थन्ने, तू हमारे से माफी मांगने के लिए तरस जाएगा। यही वर्दी पहन कर तू हमारे को अपना दम दिखा रहा था, अब यही वर्दी निकाल कर मैं थारे को रास्ते पे नंगा घुमाऊंगा। कान खोल के सुन ले खाकी वर्दी, आज से थारी उल्टी गिनती शुरू होती है। मारी चुटकी के इशारे पे मारे आदमी थारी ऐसी बजाएंगे कि तू चुटकी बजाने के काबिल नहीं रहेगा। समझ गया छोरे? हम सब जेल में जाएंगे। कौन हो तुम लोग? तुझे क्या मतलब है? हमें जेल में डाल। तू जेल में डाल वरना हम खुद चले जाएंगे। बिना कसूर के मैं जेल में नहीं डाल सकता, जाओ यहाँ से। इसके लिए गुनाह करना पड़ेगा क्या? तो ये ले। तेरी तो पुलिस वाले मारना। अबे रुक क्यों गया, मारना। अभी तू मुझे अरेस्ट करेगा, फिर तू ही मुझे शंकर सेठ के पास तुम हिलाता हुआ छोड़ने आएगा। एसीपी साहब लाइन पे है। अरे देखो, इसके बाप का फोन आ गया। सो, तुमने शंकर सेठ के आदमी को क्यों अरेस्ट किया? छोड़ो उन्हें। मैंने उन्हें अरेस्ट नहीं किया है सर। तुम उन्हें अरेस्ट नहीं करोगे और कर भी नहीं सकते। बट सर, दैट्स एन ऑर्डर। कल सुबह 8 बजे आ जाना। ओके सर। Hey! कौन है? उसके घर में पत्थर किसने फेंका? मैंने फेंका था भाई। हा? मैं तो उसका सर ही फोड़ने वाला था, ये तो जग्गा बीच में आ गया। डर के मारे वो कल्ली गांव चला जाता। स्लम एरिया में मर्डर हो गया सर। मर्डर? हमें किसी ने यहाँ से फोन किया था एक मर्डर के बारे में। किसने किया था? कैसे हो साहब, क्या रोज मर्डर होता है। इस कसाई ने आज 2 बकरे और 4 मुर्गियां काटी हैं। मैंने आपको फोन किया था, इसे ले जाइए और फांसी की सजा दीजिए सर। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। उल्लू बनाया। जानू, मुझे तुमसे अभी मिलना। क्या पहन के आऊं? क्या हुआ? मैं रिजाइन करना चाहता हूँ। तुम रिजाइन करना चाहते हो? फिलहाल तुम गुस्से में हो। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो इन्हें मैं गोली मार दूंगा। हाँ तो मार दो ना, बंदूक गोली मारने के लिए होती है, रखने के लिए नहीं। मारना शुरू किया तो लाशों के ढेर लग जाएंगे। क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। अगर तुम गाँव चले गए तो गाँव वालों को क्या मुँह दिखाओगे? तुम्हारे माँ बाप क्या सोचेंगे? और तुम आईने में अपनी शक्ल देख पाओगे? तरीका सही हो या गलत, एक पुलिस वाले का काम है समाज से गंदगी को हटाना।
और तुम इन गुंडों से डर के अपने पर्स से भाग रहे हो। ए, भाग नहीं, पीछे हट रहा। ऐसा तुम्हें लगता है, पर लोग क्या सोचेंगे, यही कि सिंगम डर के भाग गया। मैं एक इज्जतदार परिवार में पैदा हुआ, एक महान गांव में बड़ा हुआ, मैंने हमेशा अच्छे काम किए, लेकिन ये शहर कीचड़ से भरा है और मैं अपनी वर्दी पर ये कीचड़ के दाग नहीं लगने दूंगा। अगर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है तो पीछे हटने के बजाय इस गंदगी को साफ कर दो। मैं उस सिंगम से शादी नहीं कर सकती जो डर के मारे भाग रहा है। मुझे मेरा वो सिंगम चाहिए जिसने मेरी इज्जत बचाई थी। मैं लोगों की रक्षा करने वाले उस शेर से शादी करना चाहती हूँ जो दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान तक निछावर कर सकता है। कहाँ गई वो मर्दानगी? उस दिन एक लड़के ने मुझसे बदतमीजी की और तुमने उसका पीट पीट के बुरा हाल कर दिया। कहाँ गई वो हिम्मत? एक पत्नी होने के नाते मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि मेरे पति पे किसी भी तरह की मुसीबत आए, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, खुद से भी ज्यादा, और हमेशा करती रहूंगी। तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे अपनी जिंदगी से निकाल कर। भाई लोग, ये वही है ना तो शंकर भाई का कसम ले रहा है, छमिया के साथ आए रहा है। क्या आइटम बाप ये तो। अरे तूने सिंगम में ऐसा क्या देख लिया रे, कभी हमको भी आजमा के देख ले। अबे साले दिखाई नहीं देता, गाड़ी छोड़। अबे साले अपने हाथ में हाथ लगा। रुक, इतना भगाने के पीछे भगा चलने में भाई। लेफ्ट ले लेफ्ट, देख साले की बाइक खड़ी है, उड़ा दे साली को। साला यहीं कहीं छुपा होगा। बाइक तोड़ दी ना, और तुम वो क्या देख रहे हैं, चल रिवर्स ले। अरे उस दिन पुलिस स्टेशन में बहुत उछल रहा था, मुझे अरेस्ट करो अरेस्ट करो, बहुत शौक है ना अरेस्ट होने का। ले अरेस्ट कर दिया तुझे भाई, अरेस्ट करके आसमान तो दिखा दिया, अब पाताल भी देख ले। ऐसा मत करना, महंगा पड़ेगा। जा अपने भाई को फोन लगा, 40 फीट हवा में लटक रहा हूँ, किसी भी वक्त भगवान को प्यारा हो जाऊंगा, देखता हूँ कैसे बचाता है। पागल हो गया क्या, छोड़ दे मैं। छोड़ दूँ? हाँ छोड़ दे इन्हें। ड्रग्स का केस बना। साड़ा मन नहीं जाना भाई, पड़ेगा भाई, सुनो भाई, छोटो मैटर है भाई, मारे ऊपर छोड़। अबे छोटी बात ना रही, मारे छोरों को अरेस्ट किया है, चलो गाड़ी निकालो। पर भरोसा ना है कि अगर भाई जाते तो मामला और बिगड़ जाता, अब अपने को ही उस इंस्पेक्टर को डंडा करना पड़ेगा। क्या चाहिए? काव्या मैडम ने दिया है, उसे थैंक्स कहना। ऐसे ही शेर बने रहो मेरे शोना। के इंस्पेक्टर, सुनो है कि आजकल थारी बॉडी बहुत गर्म हो गए, तो सोचा कि थारी बॉडी पर बर्फ डाल के ठंडा कर दूं। भाई देख, थारे साथ तो मेरा कोई प्रॉब्लम ना है, तो फिर ये रोज रोज का किट किट क्यों? बीते हुए कल को भूल जा और चढ़ते हुए सूरज को सलाम कर। भाई के साथ काम करेगा तो हम और गुटली दोनों खाएगा। कैसा काम? अरे मारे छोरों को जेल से आजाद कर दे और क्या। FIR दर्ज हुई है। भाड़ में गई थारी FIR, कागज को टुकड़े फाड़ देना। गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, फाड़ना गैर कानूनी। अरे कौन पूछे,
थारे लिए टेम्पो भर के भिजवा दूंगा। साला पुलिस वाला। देख देख देख। ए हुई ना अपनों वाली बात। क्यों बे? एफआईआर क्यों फाड़ा तूने? एफआईआर क्यों फाड़ा तूने? साला ये भी मजाक कर लो है। एफआईआर क्यों फाड़ा तूने? एफआईआर फाड़ने की हिम्मत कैसे हुई? तोड़ूंगा। तुम लोगों को सोए हुए शेर को नहीं जगाना चाहिए था। अब देख कैसे शंकर गुंडे की हुकूमत जड़ से उखाड़ता हूँ। मैं तुम लोगों की हस्ती मिटा दूंगा। रवि सर, गाड़ी में गैर कानूनी शराब है, केस बनाओ, मीडिया को बुलाओ। तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या तुम किसी के भी खिलाफ जब चाहो तभी केस ठोक सकते हो? तुमने एफआईआर कैसे फाड़ी और उस बेचारे जगह को तुमने खामखा फंसा दिया? सबसे पहले उसे रिहा करो। आपका बयान कोरे कागज पर लिख कर दीजिए, छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें लिख के दूं? मैं? सब लोगों को पता है कि इस बेचारे की कोई गलती नहीं, धोखे से उसे फंसा है। क्या कहा? आप कह रहे हैं हमने इसे धोखे से फंसा है? ये बेचारा है? क्या कहना चाहते हैं आप? इल्जाम लगा रहे हैं इस पुलिस स्टेशन में जितने ऑफिसर हैं सब झूठे हैं? आपके इस जग्गा ने पुलिस स्टेशन में आकर एफआईआर फाड़ी, उसने हमारे साथ हाथापाई की और आप कह रहे हैं उसे छोड़ दूं? तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? जानता हूं। एक ऐसे असिस्टेंट कमिश्नर से जो लोगों का नहीं है और गुंडों के तलवे चाड़ता है। किसी क्राइम को रोकने के लिए और किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए किसी पोस्ट वोस्ट की जरूरत नहीं होती, उसके लिए दम चाहिए। वो एक छोटे से गांव का एक छोटा सा पुलिस इंस्पेक्टर शहर में आने के बाद अपने आप को शेर समझने लगा, मुझसे ऐसे बात करता है? भले ही मैं एक छोटे से गांव का पुलिस इंस्पेक्टर हूं, लेकिन अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाता हूं। चाहे शहर हो या गाँव, मेरे लिए मेरा फर्ज ही सब कुछ है, समझे तुम? सरकार सबको एक सी वर्दी देती है, लेकिन फर्ज निभाने की आग अंदर से आनी चाहिए। वो आग सिंघम। असिस्टेंट कमिश्नर, पूरा दिन एसी ऑफिस में बैठते हो, मुझे एसी की आदत नहीं। जिस गंदगी को तुमने बना दिया उसे तुम्हारे सामने मैं मिटाऊंगा। मैं क्या सस्पेंड करोगे, डिसमिस करोगे? तो कर दो। आज तक जो भी किया है खुद के दम पर किया है, मेहनत और खून पसीने से किया है। जिस गांव से आया हूँ वहीं वापस चला जाऊंगा, खेतों को अपने पसीने से सींच कर जिंदगी गुजार लूंगा। तेरे जैसा कुत्ता बनकर हराम का पैसा नहीं खाऊंगा। निकाल यहाँ से। भूल मत, मेरे अंडर ऐसे 10 पुलिस स्टेशन है। तेरे अंडर में चाहे जितने पुलिस स्टेशन हो, पर मेरे अंडर में बस एक पुलिस स्टेशन है, और मेरे पुलिस स्टेशन में आकर कोई मुझे ललकारे ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। गाड़ी निकालो। देख के फट गई क्या? सोचा नहीं होगा मैं यहाँ आऊंगा, सोचा नहीं होगा तेरे घर में तेरे सामने खड़ा रहूंगा। सिंघम का नामो निशान मिटाने चला था तू? ले आ गया सिंघम। आना मार, मारना। ए, क्या मारे छोकरों को अरेस्ट करके बहुत बड़ा तीर मार लिया क्या? मारी गैंग में 10,000 लोग है, तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। मुझे कुछ उखाड़ने की जरूरत नहीं है, मैं बस अपने गांव से 100 लोगों को लेकर आऊंगा जो तेरे 10,000 लोगों को गाजर मूली की तरह चबा जाएंगे। तेरी बुजदिली से तेरे लोग मारे जाएंगे, इसीलिए लड़ाई होगी तो सिर्फ तुझ में और मुझ में। मर्द का बच्चा है तो आ। बचपन से सुनता आया हूँ कि कुत्ते हमेशा झुंड में रहते हैं, झुंड में हमला करते हैं, और तेरी इस कुत्तों की झुंड और तेरे लिए मैं बस अकेला काम। तुम्हारे लिए मामूली सा पुलिस वाला है, बस हमारे एक फोन घुमाने की देर है, थारे डिसमिस होने में टाइम नहीं लगेगा। वर्दी वाले डिसमिस करवाएगा तो करवाना, इससे ये साबित हो जाएगा कि मेरे चुटकी बजाने से तेरी ऐसी बजी कि तू चुटकी बजाने के लायक नहीं रहा। तूने शेर की तस्वीर देखी होगी, उसे सर्कस में देखा होगा, टीवी पर देखा होगा, लेकिन कभी किसी शेर को जंगल में खुलेआम चलते हुए देखा है? कभी जंगल में उसकी दहाड़ सुनी है तूने? उसे किसी जानवर पर झपटते हुए देखा है? देखा है? देखा है? ये गांव वाले का हाथ है शंकर सेठ, एक मर्द का हाथ है, ये ना कभी किसी के सामने फैला है और ना कभी फैलेगा। पुलिस की टोपी पर तूने 3 शेर देखे होंगे, मुझ में 14 शेर यहाँ जो किसी को दिखाई नहीं, मगर मेरी हटेगी ना तो सबकी फटेगी। अन्ना नगर से निकला हूँ, शिवनगर पहुंच गया हूँ। ना ही अन्ना नगर है ना ही शिवनगर। सर एक
आपके घर पे ही आके बेइज्जती कर गया। इस शंकर सेठ के रियल एस्टेट के अलावा और भी बहुत से काले धंधे हैं। अब तो घर वाड़ी भी मारी इज्जत ना करेगी। इसका नेटवर्क पूरे देश में फैला है, ये बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। मारे को लगा था ये छछुंदर है, पर ये तो शेर निकला। वो बुड्ढे के केस की सुनवाई कब है? अगले हफ्ते सुनवाई है। ये केस कब खत्म होगा? अगर उसी के थाने में जाकर उसको नहीं मारा तो मारा नाम बदल देना। सारी गाड़ियां चेक। ओके सर। हाँ काव्या बोलो, कैसी हो? वीकेंड है तो फैमिली के साथ घूमने जा रही हूँ। आई विल कॉल यू लेटर। डैडी, एसीआर रोड में बहुत ट्रैफिक जैम होगा। व्हाई डोंट वी टेक ओएमआर रोड? दैट्स राइट। देन टेक राइट। राइट राइट। यहाँ इतनी पुलिस क्यों है? कोई मिनिस्टर आ रहा होगा। सर, गाड़ी की डिक्की खोलनी होगी, रेगुलर चेकिंग। ओके कैरी ऑन। आरसी बुक और लाइसेंस दिखाइए। हाँ काव्या, कहाँ हो तुम? तुम्हारे राइट साइड में ऑपोजिट की तरफ देखो। तुम तो अपनी फैमिली के साथ आई हो। सॉरी सर, मैं अपना लाइसेंस लाना भूल गया। सर आरसी बुक है पर लाइसेंस नहीं है। मैं इन्हें जानता हूँ, जाने दो। पर मैं इसे नहीं जानता। आपको लाइसेंस चाहिए ना? अभी मंगवाता हूँ मैं। यार तुम्हारे डैड तो कुछ ज्यादा ही जिद्दी हैं। मैंने उनसे जाने को कहा फिर भी नहीं मान रहे। बचपन से ही ऐसे। काव्या फोन मुझे। एक सेकंड, मम्मी से बात कर। आंटी इतनी अजीब बात है, हम आमने सामने होने के बावजूद फोन पर बात कर रहे हैं। नहीं नहीं आंटी, वो क्या है ना, अंकल थोड़े गुस्से वाले हैं ना, तो मैं दूर रहता हूँ। छोड़ो उन्हें, जब भी तुम्हारे माँ बाबू जाए हमारे घर जरूर लाना। क्या बड़बड़ कर रही हो फोन पर? फोन खरीद कर दिया है फोन पर बात करने के लिए ही। मेरे पसीने छूट रहे और तुम्हें मजाक सुन रही है। मैं पसीना पोंछ दूंगी। बहुत बोलती हो। सर, सर आपका लाइसेंस। कितना टाइम लगा? सॉरी सर, ये लीजिए मेरा लाइसेंस। सर इनका लाइसेंस जब्त कर ले। छोड़ो जाने दो। ओके सर, सर आप जा सकते हैं। मुझे पुलिस वाले का एहसान नहीं चाहिए। मेरे डैडी कितने सिंसियर है, ऑफिस से लाइसेंस मंगवाया। काश वो अपना लाइसेंस एक बार खुद देख लेते। क्यों? क्योंकि वो 3 महीने पहले एक्सपायर हो चुका है। कौन है फोन पर? कौन है? क्या हुआ काव्या? वो इंस्पेक्टर ना, क्या उसने शेड्यूल पूछने के लिए फोन किया है? कब निकलोगी, कब पहुंचोगी, कौन से रास्ते से जाओगी? उसने आपको मंडे ठीक 10 बजे आरटीओ ऑफिस में जाने को कहा है। आपका लाइसेंस और 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाने को कहा है। किस लिए? आपका लाइसेंस 3 महीने पहले एक्सपायर हो चुका है। अगर आप एक्सपायर लाइसेंस के साथ पकड़े जाते हैं तो 6 महीने की जेल और 5,000 फाइन लगता है। उसने कहा अगर आप मेरे डैड नहीं होते तो वो आपको अरेस्ट कर लेता। इनफ, बहुत ज्यादा बोलती हो तुम। लड़की मुझ पे गई है। हाँ, तुम्हारी बेटी हाथ से निकल रही है, बिल्कुल तुम पर गई है। मम्मी, डैडी पहले से ऐसे हैं क्या? मैं भी आज तक जान नहीं पा रही। बस भाई इधर ही रोक दे। अरे मजुमदार सर, क्या बताऊं सर, अचानक कैसे आ गया? आपकी जगह पर जो इंस्पेक्टर आया उसने मुझे 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। इसलिए मैं उस गांव में वापस नहीं जाऊंगा। आप मेरी पोस्टिंग इधर कर दीजिए, मैं आपके साथ ही काम करना चाहूंगा। उसने तुझे सस्पेंड क्यों किया? ये बहुत ही लंबी कहानी है। मजुमदार, तुम्हारे एरिया से एक लॉरी गुजरेगी, उसे अपनी जान पर खेल कर रोकना है। फिक्र मत कीजिए सर, मैं उसे रोक लूंगा। हिंदुस्तान की इज्जत का सवाल है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और सर कुछ समझे? दिमाग होता तो आपके साथ थोड़ी होता। Shut up, you nonsense of idiot of fools of rascals. Yes sir. अब मेरा प्रमोशन तो है। सत्यकाल इंस्पेक्टर साहब। पापा जी, आपकी लॉरी में गैर कानूनी सामान छुपा है, ऐसी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, मुझे चेक करना होगा। ओ जी, अपने लॉरी विच कोई गैर कानूनी सामान? पर आई वांट टू चेक। तुसी चाहो तो चेक कर लो। कम ऑन, चेक द लॉरी नीचे। सर, लॉरी तो मुझे खाली कुछ है ही नहीं। मुझे डाउट था, ये चीफ इंस्पेक्टर हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इंट्रोगेशन करने कह रहा है, टाइम पास कर रहा है। हमें इस पापा जी पे शक नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही मेहनती लग रहे हैं। आइए पापा जी, कहीं लग जाइए और आप घर जाइए। पापा जी, मेरी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया है, आप उसे अगले पेट्रोल पंप पर छोड़ दीजिए, हम लोग चल के आ रहे हैं, चलेगा? हाँ जी, हाँ जी, मैं। थैंक यू सरदार जी। जय हो। ने पूरी लॉरी छान मारी लेकिन उसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं मिला। अरे घन चक्कर, वो लॉरी ही गैर कानूनी। तुम्हें 2 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है। सर, किसका बज रहा है? आपका बज रहा है। ओ, मेरा है। ओए, हिल गया टाटा सिस्टम। ओए पापे, ओए साडी लॉरी गैर कानूनी है और इसके साथ मुझे बाइक भी फ्री मिल गई। ओए तुम्हारे बाइक में आरसी बुक नहीं है? ओए मैं कैसे बेचूंगा इसे पंजाब में? मुझे अपना एड्रेस भेजो, मैं आरसी बुक भेजता हूँ। मैनु के लल्लू समझ रखा है। तो फिर साडा ईमेल शीमेल है, लिखना है तो लिख ले। हां बताओ। jholersingh@jholbazaar.com।
राधिका वो जो आ रहा है ना वो मेरा बॉयफ्रेंड है। अरे यार तेरा बॉयफ्रेंड तो कॉला पीस है। वेलकम, ये है मेरे सारे फ्रेंड्स और ये है सिंगम। हाय। तुमने तो कहा था ब्लैक और ब्लू पहन के आओ, ये सब भी वही क्यों पहन के आई है? ये हमारा ड्रेस कोड है, हम लोग जब भी मिलते हैं सब एक ही कलर के कपड़े पहन कर आते हैं। काव्या ये क्या है? एक छोटा गिफ्ट, देखो यहाँ क्या लिखा है। पुलिस मतलब तुम। भाई साइकिल वाला आ गया है। मिलने का प्रोग्राम शॉर्ट नोटिस पे बना क्या? नहीं क्यों? नहीं वो तुम सबके सब अपने बाल खुले रख के आई हो तो। ये यहाँ का स्टाइल है सिंगम। ओह ये यहाँ का स्टाइल है, मेरे गांव में लोगों को लगता तुमने आज नहाया नहीं। कम ऑन, तुम सबके चेहरे इतने खूबसूरत है, बालों से ढकोगे तो खूबसूरती नजर नहीं आएगी। हाँ लेकिन अब अच्छा लग रहा है। हाँ मैं आ गया हूँ। काव्या जरा इधर आना, जितने मांगे उतने। भाई ये सिंगम तो चिंगम की तरह चुपका हुआ है। अरे निकलो। ओके ओके ओके। अबे देख के चली, उस गाड़ी का पीछा करो। सिंगम वहां कैसे पहुंचा? छोरी ने उठाड़ा भाई। इस मैटर में अगर सिंगम भी शामिल है तो दोनों का टुकड़े टुकड़े कर देना। अरे थारा दिमाग फिर गया क्या? तन्ने बोला था ना पुलिस को इन्फॉर्म ना करना, फिर भी लेके आ गया। सर मेरा विश्वास करो, मैं पुलिस को साथ लेकर नहीं आया। आपकी बताई हुई जगह पर मैं पैसे लेकर आया, मुझे क्या पता वहाँ पुलिस आएगी। आपको जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा लेकिन मेरी लड़की। कितना बोल रहा है? होल्ड कर, यहाँ की बातों से तो लागे इसने पुलिस को नहीं बुलाया। कंफ्यूजन है, हमारे लड़कों ने थारी लड़की को किडनैप कर लिया। सर बताइए मैं पैसे लेकर कहाँ आऊँ? अरे शांति रख, थारी छोरी को कुछ नहीं होगा। हमारी बात ध्यान से सुन, ईसीए रोड पर जो होटल ब्लू डे है वहाँ पहुँच, पैसे दे और छोरी को ले जा। हाँ लेकिन मेरी बेटी। थारी छोरी को कुछ नहीं होगा। ए, हाँ भाई। उसके साथ कोई दिख तो नहीं रहा? नजर रख उस पे। सबसे पहले तू थारा फोन वहीं पे छोड़। क्या? और वहाँ से आगे बढ़। लेकिन आपसे बात है। थारा फोन। उसने फोन फेंक दिया। तो उठा फोन, उठा। ठीक है भाई, चेक कर, रिसेंट कॉल चेक कर। सुबह से किसी का फोन नहीं आया भाई। निकलता हूँ भाई। वो उधर खाली छोरी के साथ घूमने आया था, तुम लोगों ने टेंशन दे दिया। अगर वो खाकी वर्दी आता ना तो दिखाता मैं पावर। हाँ गाड़ी के आगे ले, जल्दी कर। बस बस रुक। कहाँ जा रहे हैं? मैं ऑफिस से घर जा रहा हूँ। लेकिन आपका घर तो उस तरफ है। मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? कुछ तो गड़बड़ है। अब मैं रेस्टोरेंट से यहाँ तक आपका पीछा करते हुए आया हूँ। देखो इस शहर में मेरे एक नहीं कई घर हैं। तुम मुझे सवाल पूछते जाओगे और मैं उन सब का जवाब देता जाऊंगा। हाँ तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? डैडी क्या हुआ? सच बताइए वरना आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन आना। यह क्या है, मैंने मेरे पीछे क्यों पड़े हो? काव्या तुम्हारे डैडी कुछ गलत कर रहे हैं और हमसे छुपा रहे हैं। अगर कुछ गड़बड़ है तो अपनी डिक्की खोलिए। तुम मुझ पर देखिए, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरी बात मान जाइए। तुम्हारे डैडी पे शक कर रहे हो? इनसे इज्जत से बात करो। सॉरी कहो मेरे डैडी को। हे अपने डैडी से कहो डिक्की खोलने के लिए, खोलिए अपनी डिक्की। नहीं मैंने कहा इसमें ड्रग्स भी हो सकते हैं या फिर आपने किसी को मार कर इसमें रखा होगा। आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा। तुम पागल हो गए हो क्या? ठीक है बस करो, मैं बताता हूँ। उन लोगों ने प्रिया को किडनैप कर लिया है और कह रहे हैं कि पैसे नहीं दिए तो उसे मार डालेंगे। जैसा आपने कहा उन्होंने पैसे के लिए किडनैप किया। प्रिया को कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। देखो तुम चले जाओ, तुम रहे तो मामला बिगड़ सकता है। मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता। प्रिया को कुछ नहीं होगा, मैं तभी एक्शन लूंगा जब वो सेफ होगी। अब बैठिए, उनके प्लान के मुताबिक चलिए। काव्या अपना फोन दो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए आपके पास फोन है। फोन सीट पर रख के आप मुझसे बात कीजिए। रवि ब्रिंग द लगेज। ओके सर। उस गाड़ी से कोई नहीं उतरा, शायद ये वाली होगी। सर ये तो रोशन सर की गाड़ी है। मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा, बैग ले लो। चल बैग उठा लिया, चल निकल। वो लोग पैसे लेके जा रहे हैं। पैसा जरूरी नहीं है, लड़की की सेफ्टी जरूरी है। चल चल जा। क्या करना है? सर से गाड़ी में बैठने दो। डैडी! बेटी! डैडी! उस तरह! डैडी!
उन्होंने चोरी का मोबाइल यूज किया है। ये मोबाइल इनका है। कहाँ खो गया था मोबाइल? कल शाम को एक रेस्टोरेंट में खो गया था। कंप्लेंट क्यों नहीं की? जब मैंने अपने फोन पे कॉल किया तो एक आदमी ने उठाया। मैंने उससे कहा कि ये मेरा फोन है, तो उसने कहा अन्ना नगर से ले लेना सर, इसीलिए मैंने कंप्लेंट नहीं की। आप जा सकते हैं सर। 1.5 साल पहले भी एक लड़का गायब हुआ था और तब भी हमें एक सेल फोन मिला था। फिर हमें पता चला कि वो फोन भी चोरी हुआ था, वो भी किडनैपिंग से एक दिन पहले, और उसे भी किसी ने वापस देने का वादा किया था, लेकिन शिवनगर। मतलब अन्ना नगर और शिवनगर के बीच कुछ कनेक्शन है। अन्ना नगर और शिवनगर, अन्ना नगर शिवनगर, रोशन ठाकुर। सर आप आधी रात को यहाँ कैसे? देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, अन्ना नगर और शिवनगर ये नाम मैंने आपके मुंह से कहीं सुना ना ही। अन्ना नगर है ना ही शिवनगर। सर शंकर सेठ के घर पर उस दिन कोई आदमी फोन पे बात करते वक्त ये नाम ले रहा। करेक्ट। ये वार्ड खाली करो। आप सब लोग बाहर जाइए प्लीज। कैसा येड़ा है, पहले नहीं बोल सकता था शंकर सेठ का आदमी है। मैं भी उन्हीं का आदमी हूँ। पहले पता होता तो तुझ पर गोली चलाता मैं। भाई अब मुझ पर चिल्ला रहे। मतलब हम एक ही कश्ती में सवार हैं। मैंने तुझे कभी उनके साथ काम करते नहीं देखा। मैं उनके साथ होता ही कहाँ हूँ। उनके साथ मेरी डीलिंग सिर्फ मोबाइल फोन पे ही होती है। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं किसी शंकर भाई को नहीं जानता। ये दवाई की वजह से मुझे नींद आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख तबीयत का ख्याल रख। शंकर सेठ ने उस लड़की को किडनैप करवाया, वही एक किडनैपिंग का रैकेट चला रहा है। उसने पैसों के लिए बहुत से लोगों को किडनैप करवाया है। लेकिन हमारे पास कोई ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं है। पहले उसके टट्टुओं को उसके खिलाफ बुलवाना होगा। कैसे सर? सर आप कहना क्या चाहते हैं? आप इनके साथ कह सकते हैं? हमने जितने मुजरिम पकड़े थे उनमें से दो ने अपना मुंह खोल दिया है। वो कहते हैं उन्होंने 15 से ज्यादा किडनैपिंग्स की है और हर आदमी से 40 से 50 लाख रुपए मांगते थे। जो भी इनके खिलाफ कंप्लेन करेगा हम कोशिश करेंगे। बहुत ही जल्द किडनैपर का खुलासा होने वाला है। भाई हमारे छोरों ने मुंह नहीं खोला होगा, ये जरूर उस सिंगम का ही खेल है। लेकिन बाजा तो मारा बज रहा है ना। सारी मीडिया और प्रेस हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का मजाक उड़ा रहे हैं। सीएम और होम मिनिस्टर कुछ पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा? मैंने लोगों से अपील की क्योंकि मैं जानना चाहता था इसकी चपेट में कितने लोग आए हैं, ये मेरी चाल थी। सर हमने सोचा था 15 कंप्लेंट्स होंगी लेकिन अब तक 40 लोग कंप्लेंट कर चुके हैं। किसी ने मेरे बेटे को किडनैप करा था। क्यों भाई कॉल आए थे? मैंने अपने बच्चे को छुड़वाने के लिए 50 लाख रुपए दिए थे। ये देखिए सर, बड़े लोग जिन्होंने ब्लैक मनी से फिरौती दी थी वो यहाँ कभी नहीं आते। अरे भले ही सिंगम पुलिस ऑफिसर है पर उसके जी में जो भी आएगा बोलेगा मुझे उससे मिलना है, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम कहां थे अब तक? मुझे तुम जैसे पुलिस ऑफिसर की ही तलाश थी। एक छोटी से गांव से आकर तुमने यहां तहलका मचा दिया। जो भी इस किडनैपिंग से जुड़े हुए हैं उन्हें तुम छोड़ना नहीं, सबको अरेस्ट करना। मैं तुम्हारे साथ हूं। आज से मैं तुम्हें एडिशनल पावर्स देता हूं और साथ ही एसीपी की पोस्ट के लिए प्रमोट करता हूं। गेट द ऑर्डर रेडी। सर ऑर्डर लिखिए। तमिलनाडु के गृह मंत्री के आदेशों के अनुसार मिस्टर सिंगम को अब प्रमोट करके असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बना दिया गया है। Stop him, he's a human tornado. Everybody listen, he's got the right decision. You cannot mess with him, not even with the shadow. Sing-dum, sing-dum, shadow, sing-dum. भाई लगता है आपके ससुराल जाने का इनविटेशन आया है। मेरे हाथ में पेपर देखकर इसे अरेस्ट वारंट समझ रहा है। ये मेरा प्रमोशन ऑर्डर है। एक आम इंस्पेक्टर क्या उखाड़ लेगा, यही कहा था ना तूने। अब मैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हूँ एडिशनल पावर्स के साथ। जब आम इंस्पेक्टर था ना तब अकेला खड़ा रहता था लेकिन आज मेरे पास पूरी पुलिस फोर्स है। मुझे लगा तू आम गुंडा है, बिल्डर से मांडवली करवा के थोड़े से पैसे कमा के जी रहा होगा, पर तू तो गरीबों से पैसे छीनता है, उन्हें धमकी देकर डराता है, उनके बच्चों को किडनैप करवाता है, 40 बच्चों के फिरौती के पैसों पर जी रहा है तू। तुझे तो सिर्फ 40 छोरों को नहीं 55 छोरों को किडनैप किया है। कौन गवाही देगा हमारे खिलाफ? तारे जैसे बहुत देखे हैं, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अब निकल यहाँ से। निकलता हूँ।
लेकिन तेरे पूरे नेटवर्क को उखाड़ दूंगा। बिल्डर्स से पैसे मांगना, बच्चों की किडनैपिंग, मारपीट, सारे काले धंधे बंद करके तुझे शहर से बाहर फेंकवा दूंगा। मेरा बस चले तो तुझे दुनिया से उठवा दूंगा। इसीलिए सोच ले, चुपचाप जेल जाएगा या तेरा एनकाउंटर करवा दूं। उस इंस्पेक्टर की जिसकी ट्रांसफर की तुमने सिफारिश की थी, मैंने उसे असिस्टेंट कमिश्नर का प्रमोशन दिया है। हाँ, तुम ही ने तो कहा था कि वो तुम्हारा करीबी रिश्तेदार है। हमारा खास रिश्तेदार है। No comment. Investigation जारी है। अब इस शहर के किसी भी बिल्डर को शंकर सेठ के आदमी से डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर कोई भी आपसे पैसे मांगे तो मुझे बताइए, मैं संभाल लूंगा। जैन भास्कर, अकबर काना, सैयद जुल्फी, इकबाल पसीना, बापू लंगड़ा और बैल कुमार, करते क्या हो तुम लोग? मैं ऑर्डर चलाता हूँ। तुम्हारे नाम और काम के बीच का कनेक्शन जानता हूँ मैं। मुझे पता है तुम सब शंकर सेठ के लिए काम करते हो, मगर मेरी मानो तो उसका साथ छोड़ दो, क्योंकि जो भी उसके साथ काम करेगा उसके खिलाफ मुझे शूट ऑन साइट का ऑर्डर मिला है। आज के बाद तुम में से कोई भी किसी वारदात में पकड़ा गया या उसके शामिल होने की खबर भी मिली तो तुम्हें श्रद्धांजलि देने मैं खुद आऊंगा। Welcome, sir. Anything else, ma'am? Hi. Hello. तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे? Sorry. And thanks. Sorry क्यों? और thanks क्यों? मैंने उस दिन तुम्हें इतना कुछ कह दिया. Sorry. अरे. और प्रिया की जान बचाने के लिए thanks. अगर सच कहूँ तो मुझे तुम्हें thanks कहना चाहिए. तुम मुझे अपना फर्ज याद नहीं दिलाती तो असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट, पेपर और न्यूज चैनल में इंटरव्यूज, ये सब कैसे होता? कहते हैं कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। औरत या बीवी? सब पंटर लोग आ गए ना, वो रेस्टोरेंट में बैठा है। फिकर मत करो भाई। काव्या, कुछ टपोरी से लोग हमारे पीछे बैठे हैं। हाँ, लेकिन ये लोग है कौन? हाँ, दोस्त है, मुझे मारने के लिए आए हैं। डर को छुपा के रखो, अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखो, उन्हें बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे हाँ। बहुत डर लग रहा है। तुम अकेले इन सबसे लड़ तो लोगे ना? देखते हैं। हे, लड़की को पकड़ो। हे, हे, जाओ। मैडम आप जाइए, आप जाइए। मैनेजर सर, होटल का इंश्योरेंस निकाला है? हाँ है सर। क्यों बे?
रेस्टोरेंट चेंज हो गया? थोड़ा रेनोवेशन का काम चल रहा है। जो खाने का ऑर्डर दिया था उसका क्या होगा? आपका जो खाना है वो पार्सल हो जाएगा, आप आराम से घर पे बैठ के खाना। सर बिहार का मशहूर गुंडा अब हमारे इलाके में सेटल हो गया है। लेकिन अभी उसने गुंडागर्दी छोड़ दी और वो अच्छा भी बन गया। वो शायद हमें धोखा देने के लिए कर रहा होगा, हमें उसे अरेस्ट करना होगा। मैं उसे भड़काऊंगा, अगर गुस्से में उसने आकर मुझ पर हाथ उठाया तो तुम तुरंत फोटो खींच लेना एविडेंस के लिए। नमस्ते जी। हटा तेरे सामने, कोई कुछ नहीं करेगा। ओम शांति ओ। क्रोध मन को विचलित करता है। सर को हमारा कैरम खेलना पसंद नहीं तो हम कुछ और खेलेंगे। इंकी पिंकी पोंग की फादर है डॉन्की। इंकी पिंकी पोंग की फादर है डॉन्की। इंकी पिंकी पोंग की। सर ने हमारा नींबू तो निचोड़ दिया लेकिन हमारे पास बैगन भी है, अब हम बैगन से खेलेंगे। ये कोई खेलने वाला बैगन नहीं है, ये फटने वाला बॉम्ब है। मैंने ये घोड़ा और बॉम्ब तब खरीदा था जब मैं बिहार से यहाँ चेन्नई आया। जब तक ये बॉम्ब मेरे जेब में था तब तक सब ठीक था। लेकिन तुमने सर का बैंगन बाहर निकलवा के ठीक नहीं किया, जैसे पैर हटा बैंगन फटा। इंस्पेक्टर, ये भाई साहब ऐसा कहकर क्यों गए? सर इस बात की इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। सर वो बैंगन का बम बना के आपका दम निकाल गया, चलो चलते हैं। उन्हें लगा कि मैं बैंगन के बम से डरूंगा। निर्मला मम्मी सिंगल मामा है। माँ आप लोग कब आए? कैसा है तू? मामा कैसा है मेरा बेटा? मैं ठीक हूँ माँ। आपको यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? अरे मजूमदार ने दिया। बाबूजी कहाँ? सब लोग खुश हैं तुम्हारे प्रमोशन को लेकर, लेकिन सिर्फ मैं ही जानता हूँ यहाँ कितना खतरा है। अगर तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता तो ट्रांसफर लेकर गांव वापस आ जाओ। बाबूजी ये क्या कह रहे हैं आप? आप चाहते हैं मैं गुंडों से डरकर वापस आ जाऊँ? गांव में बाकी सारे कैसे हैं? सिंघम ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? काव्या यहाँ कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा था कि आप लोग आ रहे हैं इसीलिए मैं आ गई। उन्होंने मतलब किसने कहा था? आपके आपके बेटे ने कहा था। तुम्हारे उन्हें भी नहीं पता था कि हम आ रहे हैं। मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए कहा था लेकिन मैं तुम्हारे साथ किसी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। तुम्हें यहाँ देखकर मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ चाहे जो भी हो जाए तुम हर बुराई को खत्म करोगे। अपना काम खत्म किए बगैर तुम गाँव वापस नहीं आओगे। माँ मुझे कमिश्नर के ऑफिस में कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में। ये यहाँ क्या कर रही है? ठीक है माँ मैं चलता हूँ। ठीक है भाभी बाय। अरे कहाँ जा रहे हो? ये तुम्हारा कब से इंतजार कर रही है और तुम होगी भागे जा रहे हो? ए, इसे मैंने पहले कहीं देखा है। ये हमारे गांव के उस रोशन जी की बेटी है ना? हाँ बेटे। अच्छा ये हमारे यहाँ क्या करने आई है? ये पांचवी में पांचवी बार फेल हो गई, ये बताने आई थी। क्या जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। उसने कहा कि तुमने उसे यहाँ आने के लिए कहा लेकिन तुमने उसे पहचानने से मना कर दिया। मैंने तो सिर्फ उसे तुम्हारा फोन नंबर दिया था, उसे एड्रेस कहाँ से मिला पता नहीं। अच्छा तूने नंबर दिया था? तू पुलिस स्टेशन आ बेटा, तेरा नंबर मैं काटता हूं। आज तो लगता है मेरा प्रमोशन पक्का है या फिर डिमोशन। लाइफ में ट्विस्ट। तुम इन सबको यहाँ क्यों लाए हो? डैडी घर पर है। मैं सिंघम के घर गई थी तब ये लोग वहीं थे और ये डैडी से मिलना चाहते थे। अब मम्मी मैंने मना कैसे कर दी? प्लीज आप डैडी को इनसे मिलने के लिए मना लीजिए प्लीज मम्मी। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी बेइज्जती करके मेरे घर पे आने की हिम्मत? लेकिन आप उनसे बात तो बात करने के लायक नहीं है। गुस्सा थूक दीजिए, बात तो कीजिए। कैसे हो रोशन? ठीक हो? बैठो। हम आज ही गांव से आए हैं, काव्या को अपने घर में देखकर बहुत अच्छा लगा। सिंघम से मिलने आए थे, सोचा तुमसे भी मिलते चले। उस दिन खाम दोनों के बीच में बहस हो गई। आप वैसे ही हमारे गांव इतने कम आते हो उसमें भी आपसे गुस्सा हो गए। पता नहीं मैं क्या कुछ कह गया, मुझे माफ कर देना अगर गलती से मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो। यकीन करो इतने दिनों बाद देखकर तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है। क्या तुम अपनी बड़ी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हो? तुम्हें बहुत अमीर लड़के मिलेंगे अपनी हैसियत के हिसाब से। मानता हूँ कि लड़का स्मार्ट होना चाहिए, अच्छे परिवार से होना चाहिए। असल में तुम्हें ये देखना चाहिए कि लड़के में कोई बुरी आदत तो नहीं है, क्योंकि हम हर रोज टीवी और न्यूज़पेपर्स में देखते हैं कि अमीर लड़कों का बर्ताव कैसा होता है। चलते हैं। हम भी सिंघम के लिए एक लड़की ढूंढ रहे हैं। अगर तुम्हारी नजर में हमारी हैसियत के हिसाब से कोई लड़की हो तो हमें जरूर बताना, आखिर उसकी भी तो शादी करनी है। अच्छा चलते हैं। गोपाल इन्हें जरा छोड़कर आ जाओ। इन्हें तुम्हारे और सिंघम के बारे में पता नहीं? नहीं डैडी। क्या हुआ? बात क्या है? मुझसे गलती हो गई, मैंने एक अच्छे आदमी को पहचानने में गलती कर दी।
मैं अपनी नजरों में गिर गया। काव्या, तुम्हारी शादी अगर किसी से होगी तो वो सिंघम होगा। अरे रो क्यों रही हो, हंसो ना। सर, ये वही आदमी है जिसने मंदिर से पैसे का डब्बा चुराया। हे, बता तूने पैसे का डब्बा क्यों चुराया? मैंने नहीं चुराया। मुझे झूठ बोलने वाले पसंद नहीं, तो बता तू मंदिर क्यों गया था? सच सच बता। भगवान की पूजा करने। नाम क्या है तेरा? एंथनी। एंथनी, तुम्हें तो चर्च जाना चाहिए था, फिर तू मंदिर क्यों गए? बताओ बताओ। अरे सर, कुर्सी तो छोड़कर जाइए, सरकारी है तो बचाओ। ए सर, अरे इसमें ब्रेक नहीं है, तो रोको इसे। अरे ये तो नैनो से भी छोटी है। नैनो की छोड़ी से रोक। अरे रखता है, ऊपर जाने का वक्त आ गया। सर, सरकारी नुकसान, ट्यूबलाइट फूट गई। अरे इस लैंप पोस्ट की तो ट्यूबलाइट ही गई है, लेकिन मेरा तो बल्ब ही उड़ गया। सही कहा सर। आइए बैठिए, बोलिए। मेरा नाम सुमति है, मैं आनंद नगर में अकेली रहती हूँ। मेरे पड़ोस में कुछ गुंडे रहते हैं, पिछले 2 महीनों से वो मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। अब तक आपने कम्प्लेन क्यों नहीं की? इस शहर में मैं अकेली रहती हूँ, पुलिस कम्प्लेन करके मुझे किसी से दुश्मनी नहीं मोल लेनी। आज कुछ लोग मेरे घर पर शराब पी के आए सर, मुझे तो डर है कि कहीं वो लोग मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। तो आप इतनी दूर क्यों आई हैं? नजदीक वाले पुलिस स्टेशन में चली जाती। मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है सर, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं एक अच्छे परिवार से हूँ सर, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे माँ बाप कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आप कुछ कीजिए सर, मुझे उन गुंडों से बचा लीजिए। प्लीज एक बार मेरे साथ मेरे घर चलिए सर। कहाँ रहती हैं आप? त्रिची सर। त्रिची में कौन सी जगह? मलाईकोटा सर। और आप काम कहाँ करती हैं? माइक्रोटेक सॉल्यूशन। मुझे आपके घर का एड्रेस दीजिए। फ्लैट नंबर 12, वाल्मीकि नगर। घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, मैं आपके साथ हूँ। रवि सर, ये केस मैं पर्सनली हैंडल कर रहा हूँ, अगर मेरे कोई फोन आए तो मैसेज ले लेना। ओके सर। रवि, ये जरूर कोई चाल है, मुझे इसके घर तक पहुँचने में 20 मिनट लगेंगे, तब तक इसने जो भी डिटेल्स दिए उन्हें वेरीफाई करो और मुझे अपडेट करना। ओके सर। हम इसे अरेस्ट करेंगे और उसके बाद इसकी इंक्वायरी करेंगे, उन्हें कोई शक न हो इसलिए मैं खुद जा रहा हूँ। हेलो माइक्रोटेक, आपके यहाँ कोई सुमति नाम की एम्प्लॉई है? जस्ट मिनट सर। कंट्रोल रूम। प्रोसीडिंग सर। यहाँ पर इस नामी कोई लेडी काम नहीं करती। मलाईकोटा पेट्रोल। रिपोर्टिंग सर। यहाँ कोई सुमति रहती है? नहीं सर। फॉल्स एड्रेस सर। ओवर। भाई, मैसेज मिला है कि वो रास्ते में है। हम तैयार है भाई। हाँ डैड, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। वो माइक्रोटेक में काम नहीं करती सर। दीदी वहाँ देखो, जीजू की गाड़ी। पर वो लड़की कौन है? पीछा करती उनका, कहाँ गया? ये सिग्नल भी ना। मैं आपका खबरी नारायण बात कर रहा हूँ सर। बोलो नारायण, कैसे हो तुम? सर, सुमिति नाम की कोई भी लड़की वाल्मीकि नगर में नहीं रहती। हाँ। और घर काफी सालों से बंद है। ठीक है, उससे कहना अगली बार जरूर आऊंगा। आज सुबह सुबह उस घर में कुछ लोग गाड़ी में आए हैं। सर, मेरा घर तो उस तरफ है सर, आप यहाँ कहाँ जा रहे सर? सर, सर। पकड़ो, पकड़ो इसे। ए, कहाँ जा रही है? तुम क्रिमिनल्स अपने हाथ में मोबाइल लेकर अपने आप को स्मार्ट समझते हो, हमें इसका इस्तेमाल नहीं आता। आईटी कंपनी में काम करने वाली कोई लड़की कभी गुटखा नहीं खा सकती, अपनी हालत देखो, कहाँ ले जा रही थी मुझे? सर, इसने 6 SMS भेजे हैं। देखो, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, तुम सिर्फ पैसों के लिए कर रही थी। मुँह खोलती हो या खोलती है या खाली कर दूं? ये काम कर सकेगी? बाएं हाथ का खेल है। कैसे भी करके मन्ने वो इधर चाहिए। ले आऊंगी। जैसे ही वो नजदीक आएगा अपने लोग उसे मार देंगे, इस बार वो बच नहीं पाएगा। उमा। फोर्स आ चुकी है सर, उनसे कहो घर के पीछे की तरफ रहे, मैं सिग्नल दूं तभी फायर करना, समझे? ओके सर। उमा। सर। सिंगम आ रहे हो भाई। उमा, तुम उस घर से थोड़ा दूर खड़ी रहना, दीवार के पीछे या गाड़ी के पीछे छुप जाना। अरे ये छोरी तो चेंज हो गई, गोली मार दे उसे। समझ गया। उमा अंदर रहना। Who?
हमें नहीं पता अंदर कितने लोग हैं। कितने लोग दिख रहे हैं? सिर्फ एक आदमी। कितनी दूरी पर है? 12 से 15 फीट। ठीक है। ब्रेकन। ओके सर। हाय शेरनी, रॉकेट की स्पीड में कहाँ जा रही हो? मुझे उस आदमी से मिलना है जो खोई हुई चीजों को ढूंढ के निकालता है। हैं? तुम्हारी कौन सी चीज खो गई है? मेरा दिल खो गया है। हा? उसकी कंप्लेन लिखानी है। दिल? समझते क्या हो तुम अपने आप को? मुझे देखने के बाद भी अवॉइड करते हो। कौन थी वो लड़की जिसे तुम अपनी गाड़ी में घुमा रहे थे? कल देखा था तुम्हें। मैं किसी लड़की के साथ बैठा हूँ ये देखकर तुमने मेरा पीछा भी किया था। मैं एक सिग्नल तोड़कर आगे निकल गया और तुम पीछे रह गई। इसका मतलब तुमने जानबूझ के ऐसा किया? पहले तो ऐसे नहीं थे। शहर में आके शहर की हवा लग गई। सर पेपर में न्यूज आ गई है। मैडम से कहूँ कि ये पढ़ लें। कल सिंगम ने एक मोस्ट वांटेड मुजरिम को गिरफ्तार किया और उस पे तुम अनवांटेड रिएक्शन दे रही हो। मजुमदार। सॉरी। पागल हो तुम। मैं किसी मुजरिम को पकड़ने गया था और तुम मुझे फॉलो कर रही थी। मैं जा रहा था, वो जगह खतरनाक थी, वहाँ तुम्हें कुछ हो जाता तो, इसीलिए मैंने तुम्हें पीछे छोड़ दिया। मैं तुम पे शक कैसे कर सकती हूँ? लेकिन मेरी बहन ने मेरे दिमाग का भेजा फ्राई कर दिया। आखिर बहन है तो तुम्हारी। मुझे छूना बंद करो। अब तुम्हें छू भी नहीं सकती क्या? तुम्हें नहीं छूंगी तो और किसे छूंगी? तुम्हारे डैडी भले मान गए हो पर पुलिस स्टेशन में रोमांस ठीक नहीं। यहाँ कौन है देखने वाला? इस रूम में कैमरे लगे हैं। कमिश्नर साहब हमारे बीच जो भी चल रहा है वो सब देख रहे हैं। ओह, मरवाओगे किसी दिन। अरे काव्या सुनो तो। एक्सरसाइज क्यों नहीं करते हो? यस सर। आ रहा है तुम्हारा। एक्सक्यूज मी। अपने खोए हुए दिल की कंप्लेंट लिखवा दी अंदर? जरा फोटो वोटो हो दिल की तो दे देना, साहब उसे ढूंढ के दे देंगे वापस। अच्छा, पर मेरा दिल तो साहब ने ही चुराया। रवि, हॉस्पिटल में मनोहर को होश आ गया। उसने गुनाह कबूल कर लिया और वो स्टेटमेंट देने को तैयार है। हम दोनों आज रात हॉस्पिटल जाएंगे, ये बात किसी को पता ना चले। सर अभी उसकी कंडीशन कैसी है? अभी स्टेबल है लेकिन हालात बिगड़ सकते हैं। बी रेडी। भाई मनोहर अपने खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे है। उस पे तो मन ने बहुत भरोसा था, वो तो मुझे अपना भाई मानता था। भाई वो तो सिर्फ भाई जैसा मारता था, पर आपका असली भाई मैं हूँ। भाई मैं अभी जिंदा हूँ, थारे चेहरे पर इतना टेंशन मैं देख ना सकूं। आज तो उसका गेम बच के रहेगा। Hey, don't move. मरे हुए को मारने आया है तू? ये तो 12 घंटे पहले ही यमराज के साथ निकल गया। ये 9mm कैलिबर गन है, इसमें 3mm की बुलेट होती है। इस पर मैंने 4 गोलियां चलाई पर तीसरी गोली लगते ही इसकी मौत हो गई। इस हॉस्पिटल में ऐसे कितने लोग हैं जो तुम्हारी मदद करेंगे? गिनकर 3 या 4। बाकी सब के सब पुलिस के साथ हैं। तूने मुझे मारने के लिए लड़की का इस्तेमाल किया और तुझे मारने के लिए मैंने लाश का। तू तो मेरे जाल में पूरी तरह फंस गया रे। इसे मारने आया था ना तू? आजा मार। मारना। मन ने जाने दो, मन ने मारना मत। मैं कह रहा हूँ ना इसे मार। नहीं मारेगा। रवि सर तलवार उठा और दामोदर को मारो। ओके सर। अरे वाह रवि, तूने ये इतनी सफाई से कैसे किया? सर पुलिस ज्वाइन करने से पहले मैं भी एक गुंडा ही था। अच्छा। तेरे भाई का फोन है। देख सिंगम। बोलो। अरे भाई को कुछ न करना, मैं उसको बोलता हूँ वो सरेंडर कर देगा। तू चाहता है ये जेल जाकर जेल का सड़ा हुआ खाना खाए? जेल उन लोगों के लिए जिनसे गलती से कुछ गलत हो जाता है। ना ना मारी बात मान। इसे छोड़ दूं तो तू 55 किडनैपिंग केसेस खुद पर ले लेगा? कॉमेडी का टाइम है। मतलब तू सरेंडर नहीं करेगा तो फिर फालतू का भाव ताव करके मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रहा है? ये मुझे आज मारने के लिए आया था लेकिन आज ये खुद मरेगा। इसने एक पुलिस ऑफिसर पर भी हमला किया। नहीं संगम। तो पुलिस ऑफिसर ने सेल्फ डिफेंस में जगह पर गोलियां चलाकर मार दिया। देखो मारना मत, वो बाल बच्चे वाला है। उसने जिन्हें मारा था वो भी बाल बच्चे वाले थे। बिना ठोके? आपको चोट तो नहीं आई? पकड़ो इसे। अरे ये कौन घुस गया हमारे घर में? Oh, my God.
हाय काव्या। ए, जाके पेट्रोल लेके आ। गाड़ी घुमा लो, बसंत नगर चलो। मुझे बहुत डर लग रहा है। पेट्रोल डाल। और डाल। पेट्रोल डाल रहा है। काव्या घबराओ मत। सिंगा मुझे बचा लो। अब सुनो, क्या अंदर कोई गाड़ी है? हाँ। लाइटर होगा उसमें। और डाल। अब किसी पेपर पर आग लगाओ, जल्दी करो। घबराओ मत, जैसे कहता हूँ वैसा करो। पेपर चल नहीं रहा है। जरा हवा दो उसे। धीरे धीरे चलेगा। चल गया। नीचे हाथों और पेट्रोल की ओर फेंक दो। तोड़ दो शटर को। शटर तोड़ रहे। काव्या घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। लेफ्ट लो, जल्दी करो। काव्या मेरी तरफ देखो। काव्या आंखें खोलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। काव्या मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कोई एम्बुलेंस बुलाओ। कौन सा डॉक्टर ड्यूटी पर है? डॉक्टर, बुलेट सीधे चेस्ट के अंदर गई। हाँ, इट्स एन इमरजेंसी। काव्या को कुछ नहीं होना चाहिए। एक्सक्यूज मी, इनका केस काफी क्रिटिकल है, खून काफी बह चुका है, हमें इमीडिएटली ऑपरेशन करना होगा। सिंघम, उन्होंने मेरी बेटी पर ही नहीं, तुम्हारी होने वाली पत्नी पर हमला किया। उन्हें छोड़ना मत, खत्म कर दो सबको। हाँ हेलो रवि, कहाँ हो तुम? किसका फोन है? रास्ते पे पड़ा मिला। कहाँ से मिला? ज्योति नगर। नहीं, ज्योति नगर नहीं, जयनगर से मिला। ए? नहीं, शायद जवाहर नगर के आसपास कहीं मिला। किधर जाके ढूंढेगा? तू फोन की फिगर छोड़, फोन वाले को ढूंढ। एड्रेस मैं तन्ने बताता हूँ, तेरे दोस्त रवि की पार्टी गांधी नगर सिग्नल के पास मिलेगी। एम्बुलेंस बुलाओ। मैं करके थारे सारे दोस्त और परिवार का डीएन करने वाला हूँ। तन्ने जिंदा रखूंगा उन सब की लाशें जमा करने के लिए। वो ऐसा क्यों कर रहा है सर? मजुमदार, तुम गांव जाओ और मेरे परिवार पर ध्यान रखना। बाबूजी से कहना दुकान पर ना जाए। मैं डीसीपी से बात करूंगा, सिक्योरिटी का इंतजाम हो जाएगा। यस सर। सारे कांस्टेबल बाहर जाओ। यस सर। किसी को अंदर आने नहीं देना। यस सर। हे, लेटर सर आ रहे हैं। व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर मिस्टर सिंघम? तुम एंटी किडनैपिंग फोर्स के चीफ हो, तुम आजकल कर क्या रहे हो? हम किडनैपिंग को रोक रहे हैं सर। तुमने किस किस को रोका? हम उस मुजरिम को रोक रहे हैं जिसने 55 किडनैपिंग की है। तुम्हें पता है कि कल्प्रिट कौन है? हाँ सर। फिर तुमने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? कौन है वो? शंकर सेठ। तुम्हें कैसे पता? उसने मेरी इस वर्दी की इज्जत नहीं की, उसने मेरी पोस्ट की इज्जत नहीं की, उसने खुलेआम अपना जुर्म कबूल कर लिया और कहा कि मैं उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता। तो फिर तुमने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? किसी भी केस में उसका डायरेक्ट हाथ नहीं है सर। अगर शक की बिना पर उसे गिरफ्तार किया तो वो छूट जाएगा। उस जैसे कसूरवार जेल से छूट जाते हैं और बेगुनाह जेल में सड़ते रहते हैं। मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं बीच चौराहे उसे गोली मार दूंगा। मुझे पता है वो रियल एस्टेट के बिजनेस में है और बिल्डरों को धमकी देकर पैसा लेता है, लेकिन किडनैपिंग? वो सबकी नजरों से छुपकर किडनैपिंग के काम करता है रवि। सॉरी सर, इन फाइलों में उसकी सारी हिस्ट्री है सर। शंकर सेठ इसमें से हर केस में इन्वॉल्व है, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं है। तो हम क्या करें? एनकाउंटर सर। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी वजह से उसके धंधे बंद हुए सर, लेकिन अब वक्त आ गया है। इससे पहले कि देर हो जाए, हमें उसे खत्म कर देना चाहिए। एक पुलिस ऑफिसर की तरह बात करो। सर, प्लीज एक बार मेरी बात मान लीजिए, मैं उसकी खोपड़ी में गोली डालकर उसे खत्म कर दूंगा। उसके लिए मुझे सजा भी मिले तो कोई परवाह नहीं, ये पाप नहीं पुण्य होगा सर। मुझसे ये बेबसी बर्दाश्त नहीं होती। वो क्रिमिनल मेरे सामने खड़ा होता है और मैं कुछ नहीं कर सकता। इमोशनल होने से कुछ नहीं होगा सिंघम, पहले सबूत इकट्ठा करो। जब ऐसे लोग पुलिस फोर्स में है तो एविडेंस कैसे इकट्ठा करूं? अपना सेलफोन दीजिए सर। सिंघम, तुम्हें इसका सेलफोन क्यों चाहिए? सर, इनका फोन ही मेरा सबूत है, फोन देने के लिए कहिए। राजेंद्र सर। ये देखिए सर, इसने शंकर सेठ को आखिरी कॉल किया था और इसकी वजह से शंकर सेठ ने हमारी सारी बातें सुनी है। सर, अभी कुछ देर पहले ही उनका फोन आया था, शायद गलती से लग गया होगा। ये रहे इनके पिछले 3 महीनों के मोबाइल फोन रिकॉर्ड। दिन में 20-30 बार शंकर सेठ को ऐसे ही फोन लग जाता है। अगर ये आदमी अपना मुंह खोल दे तो सारे सबूत मिल जाएंगे। टेक हिम अंडर योर कस्टडी सर। प्लीज सब लोग बाहर जाओ। सर। ये सारे सबूतों की फाइल है,
और ये है तुम्हारा सेल फोन, ये सब लो और चले जा, फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन अगर आज मैंने तुम्हारे साथ कोई सख्ती की तो वो हमारे डिपार्टमेंट के लिए शर्म की बात होगी। तुम्हें भी तुम्हारी पोस्ट आसानी से नहीं मिली होगी, यहां तक पहुंचने के लिए तुमने भी मुश्किलों का सामना किया होगा, लेकिन आज तुम बिना यूनिफॉर्म के इस कस्टडी रूम में बैठे हो। तुम्हारे परिवार वाले जानेंगे तो क्या सोचेंगे? अखबारों में खबरें छपेंगी, टीवी पर न्यूज आएगी, तुम शंकर सेठ के लिए काम करते हो तो अच्छा लगेगा, तुम्हारे परिवार वाले तो शर्म से मर जाएंगे। अगर उसने तुम्हारी बेटी को किडनैप किया होता तो उसकी मदद करते तुम? तब तुम अपनी पिस्तौल निकालकर उसे गोली नहीं मार देते? जो हराम का पैसा कमाते हैं ना, उन्हें सुख नहीं मिलता, सिर उठा के नहीं जी पाते। शंकर सेठ के साथ जो भी करना है मैं कर लूंगा, तुम चले जाओ। मुझे माफ कर दो सिंह, मेरा भी एक परिवार है, मेरे भी दो बच्चे, मैं मजबूर था, मैंने उसके टेपर की मदद की सिर्फ पैसे कमाने के लिए। मुझे कर दे दो, मैं नहीं सर, प्लीज आई वॉन्ट टू डू समथिंग, मैं कुछ करना चाहता हूँ। सिर्फ एक झूठ बोली है, शंकर सेठ ने मेरी बेटी को किडनैप किया। तुम कहना क्या चाहते हो? इनकी बेटी को लौटाने के वो 45 लाख मांग रहा है सर, सुबह से 4 बार फोन कर चुका है। हेलो इंस्पेक्टर राजेंद्र, की बेटी को तुमने किडनैप किया है? जवाब दो। चुप क्यों? मैंने उसके छोरी को किडनैप नहीं किया। मतलब बाकी की किडनैपिंग तुमने की है? हाँ, अब तक सिर्फ 55 बच्चे किडनैप किए हैं और सारे पैसे थारे पार्टी में तो डोनेट किए और पोस्टर भी तो छपाए। उड़ गया क्या भौतरी के? थारी पार्टी के भुखड़ दो कैश भी तो करवाई, अन्ने के लागे पैसा पेड़ पे लागे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की? अच्छे से तो बात कर रहा हूँ, और कौन सा तरीका होता है? लाइन पे रहो सर। शंकर लाइन पे है, अब क्या करना है मैं बताऊंगा। हाँ, उसे अरेस्ट करो और 24 घंटे के अंदर अंदर मेरे सामने पेश करो। इसके लिए तुम्हें जितने लोगों की जरूरत पड़ेगी इस्तेमाल करो, मैं परमिशन दूंगा। अरे नहीं, क्या बात कर रहे से? अरे रुक जा, अब मैं तुझे बताता हूँ कि सीएम के साथ कैसे बात करनी चाहिए। मारी बात तो सब फोन रख। अरे मंत्री के बच्चे, सोच। हेलो, छोरी को तो तूने मचा लिया, पर तू मुझसे कैसे बचेगा? मंत्री के साथ मिलकर मन्ने मारना चाहता है। कल 10 बजे होम मिनिस्टर की बेटी को किडनैप करूंगा। क्या बोला? थारे में दम है तो रोक। सर, क्या सिचुएशन है? सब कुछ कंट्रोल में है सर, सारे चेक पोस्ट पे सिक्योरिटी टाइट कर दिए सर, वो इस शहर से बाहर नहीं जा सकता। ओके सर, इनका परिवार हमारी वीआईपी सिक्योरिटी में, आई थिंक इज फूलिंग अस। अरे छोरे, मत सोचना कि मैं उल्लू बना रहा हूँ। 10 बजे नहीं कि छोरी किडनैप हुई नहीं। तन्ने क्या लागे? थारे पुलिस फोर्स के रहते मैं उस छोरी ने किडनैप नहीं कर सकता। वो पागल हो चुका है, सारे मिनिस्टर्स के घर पर सिक्योरिटी टाइट कर दो। कम ऑन क्विक, टेक योर पोजीशंस। तूने इस शंकर के तीसरी आंख खुलवा दी। ए, छोरी हो गई किडनैप। तू तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर के घर में बैठा है ना, और मैंने यहाँ कर्नाटका चीफ मिनिस्टर की बेटी को किडनैप कर लिया। मैंने उस लड़की को किडनैप किया जो चेन्नई में इंजीनियरिंग पढ़ती है। अब उखाड़ दे जो उखाड़ना है। अब मारी बात ध्यान से सुन, मन्ने पांडिचेरी जाना है और मन्ने रास्ते में कोई रुकावट पसंद नहीं। मन्ने पुलिस की गाड़ी हमारी कार के आगे पीछे चाहिए। पांडिचेरी पहुंचते ही मन्ने एक बोट चाहिए और ये छोरी हमारे साथ रहेगी जब तक मैं हांगकांग नहीं पहुंच जाता। कोई भी चलाकी की तो छोरी गई जान से, फिर कटोरा लेके घूमना। और अगर इस चोरी ने कुछ हो गया तो मन्ने ना कहना, दंगे हो जाएंगे, समझ ले। छोड़ दो मुझे। मारो और उनके साथ आगे बढ़ो। मैं कर्नाटक का DGP बोल रहा हूँ। कर्नाटक का कमिश्नर बोल रहा हूँ। शंकर सेठ के साथ रहो लेकिन कोई एक्शन मत लेना। ओके सर। सिंघम आपका पीछा कर रहे भाई। रे सिंघम, हमारी गाड़ी का पीछा करना छोड़ दे। गाड़ी राइट में ले लो। पांडिचेरी कंट्रोल रूम ओवर। सारे कोस्ट गार्ड्स को अलर्ट कर दो। सिंघम, क्या पोजीशन है? सर, मैं उसे रोड पर फॉलो तो नहीं कर पाया, इसीलिए मैं हेलीकॉप्टर से पांडिचेरी जा रहा हूँ। वो जिस रास्ते से जा रहा है उस रास्ते पर एक स्पीड ब्रेकर पड़ता है, हम वहाँ पर एक ट्रैप रखेंगे। जैसे ही उसकी गाड़ी वहाँ से जाएगी हम एक ग्रिल खोलकर उसकी गाड़ी को पंक्चर कर देंगे और हमारे लोग उसे शूट करने के लिए तैयार रहेंगे। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकलेगा लड़की को छोड़कर सबको मार दिया जाएगा। अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो? जब तक वो बोट में नहीं बैठता वो लड़की को वापस नहीं भेजेगा। इसमें थोड़ा रिस्क तो है लेकिन हम लड़की को बचा लेंगे सर। सारे ब्रिज कमांडर्स की कंट्रोल में है। ओके सर। सर मान लीजिए अगर वो गाड़ी से उतरा ही नहीं तो? एक मिनट जरा कॉल। हाँ हेलो, दीदी को आपसे बात करनी है। हाँ
हेलो, कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करना। एक बीवी को अपने पति की बात माननी चाहिए, पर मैंने नहीं मानी। क्या कह रही हो तुम? इसलिए ये सब हो गया। अगर तुम्हारे कहे मुताबिक मैं गाड़ी लेफ्ट में लेती तो शायद ये सब नहीं होता। सिंघम, नहीं, मुझे माफ कर दो। काव्य, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस अपना ख्याल रखो। ओके, तुम भी। कार्तिक, क्या पूछ रहे थे तुम? अगर वो गाड़ी में नहीं हुआ तो? मैं तो ये पूछ रहा था कि अगर वो गाड़ी से नहीं उतरा तो? गाड़ी से नहीं निकला तो, पर अगर वो उस गाड़ी में हुआ ही नहीं तो वो गाड़ी में घूमेगा ही क्यों? क्या किसी ने उसे गाड़ी में? नहीं सर, नहीं सर, नहीं था। शिट, डैम इट, उसके मोबाइल पर फोन लगाओ। सर, ऑपरेटर तेलुगु में बोल रही है। अरे ऑपरेटर तेलुगु में कैसे बात कर सकती है, वो पांडिचेरी गया है। सामोदर, मोबाइल कंपनी को फोन करो, उसके नंबर को ट्रेस करो। सर, गुड मॉर्निंग एयरसेल। सर, नंबर से पता चला है कि वो आंध्र प्रदेश में कहीं है। आधे घंटे पहले वो चेन्नई में था, अब वो वहाँ से निकल चुका है। सर, वो गया कैसे? लेकिन सर, वो उस रास्ते से नहीं जा सकता, हर जगह पुलिस तैनात है। मैं उससे बात करता हूँ, वॉइस ट्रैक ऑन करो। यस सर। हेलो, देखो मैंने तुम्हारा पीछा नहीं किया, लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। ए, तू अभी कुछ नहीं बोल सकता, अरे वो चैलेंज करता है, चाल फोड़ रख। वॉइस ट्रैक को स्प्लिट करके सुनाना, प्ले। अरे वो चैलेंज करता है, चाल फोड़ रख। ट्रेन की आवाज आ रही है क्या? हाँ, वो इस वक्त ट्रेन में है। सर, एक बात तो पक्की है, उसने ट्रेन स्टेशन से नहीं पकड़ी, खबर मिली है कि गुवाहाटी एक्सप्रेस बीच में रोकी गई थी। वो जरूर उसी ट्रेन में। ओके सर, आंध्रा पुलिस को अलर्ट करो, उनसे कहो ट्रेन में चढ़े और तलाश करें। ठीक है सर। कैप्टन, स्टार्ट द इंजन। को रोककर अंदर बैठे आदमियों को गिरफ्तार करें। नहीं, लड़की की सेफ्टी के लिए गाड़ी को बिना रुकावट जाने दो। ओके सर, यही अच्छा होगा। लड़की और शंकर सेठ की फोटो आंध्रा पुलिस को मेल करो। ओके कैप्टन, वी हैव टू फॉलो द ट्रेन। क्या ये नेलोर कंट्रोल रूम है? ट्रेन कौन सी? गुवाहाटी एक्सप्रेस। जल्दी 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 अंदर जाओ, उन्हें ढूंढो। कैप्टन, यही वो ट्रेन। ओके, इसी को फॉलो करना। ओके, इसके साथ रहिए। सर, सर, क्या है? आप लंच में क्या लेंगे सर? नेल्लोर स्टेशन पे लंच दिया जाएगा। नहीं चाहिए। थैंक यू सर। ये देखिए सर। कंफर्म सर, वो फर्स्ट एसी में है सर। ओके। नमस्कार सर। ट्रेन कभी भी पहुंचती होगी सर, हमें जल्दी कर। हरिया, हरिया। सर, पूरा कर्नाटक टेंशन में आ गया है। कम ऑन, जल्दी करो, जल्दी करो। फिकर मत करो भाई। कब गिरफ्तार करना है सर? फिलहाल हमें उस पर सिर्फ नजर रखना है, वो कहां जाना चाहता है ये जानना है हमें। ट्रेन स्लो हो रही है। यहाँ से नेल्लोर कितना दूर है? यहाँ से 8 किलोमीटर। ए, चेन खींच के गड्डी को किसने रोका? चल चल, चलो चलो। चल चल, जल्दी चल। सबने अपने घर खाली कर दिया क्या? भाई, ये तो अपने लोग हैं। रुको, ये गोरखपुर गांव भी शंकर सेठ की कंट्रोल में है। नमस्कार भाई। नमस्कार, नमस्कार। आप थोड़ी देर यहीं रुक जाइए भाई, अभी आप बोट से गए तो कोस्ट गार्ड आपको पकड़ लेंगे। रात के अंधेरे में निकलेंगे तो आसानी से हांगकांग पहुंच जाएंगे। यहाँ से बाहर निकलने का कोई समंदर पास ही में है। ये अपना इलाका है भाई, आप फिक्र मत करो। वो पांडिचेरी जाने का प्लान कैंसिल नहीं करेगा। यस सर। मुझे फिक्र सिर्फ लड़की की है। तुम दोनों यहीं रुको, हम तीनों जाकर आते हैं। हम भी साथ आएंगे सर। बिल्कुल नहीं, अगर हम फंस गए तो तुम हमारी मदद कर सकते हो। यहाँ पर सेलफोन का सिग्नल भी नहीं है, जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं उन ट्यूबलाइट्स को शूट करूंगा। जैसे ही शूट करूं तुम दोनों आ जाना। अब हम सर पर कफन बांध कर निकले हैं, या खुद मरेंगे या उन्हें मार देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई फायर नहीं करेगा। हमें संभाल के रहना होगा। हे, देखो उसे, कौन है? Yeah!
उस तरफ कोई है, देखो पीछा करो। तेरे बापू का घड़ा भर गया है। समझ के रखा है, इसके साथ मेरा रिश्ता ही क्या जो मैं इसे बचाने आऊंगा। कह दूंगा एनकाउंटर में ये भी मारी गई, मेरा मकसद है तुझे मार। तू क्या इसे मारेगा, मैं ही मारता हूं। जान की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें बचाने के लिए मुझे तुम्हें गोली मारनी पड़ी। क्या हुआ सर? इसे गोली लग गई है, जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट हो, किसी भी ट्रेन को रोको, तो किसी हॉस्पिटल पहुंचाओ, जल्दी जाओ, जाओ। कोई रास्ते में आए तो उसे शूट कर देना। सर ट्रेन आती ही होगी। ओके एनकाउंटर का ऑर्डर और ये पिस्तौल, बोल अब तेरा क्या करूं? जिंदगी भर जेल में सड़ना पसंद करेगा या सीधे ऊपर जाना? तू हमें झांसा देके हांगकांग भागना चाहता था, हमें गुमराह करके देश छोड़ना चाहता था, शाना समझता है अपने आप को? निकाल दी ना तेरी हेकड़ी। तुझे क्या लगा पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी, तेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी? अपने जैसा नामर्द समझा हमें? मैं तो उसी दिन जीत गया था जब तू मुझसे डर कर भागने की फिराक में था, लेकिन तूने हमारी दुश्मनी मेरे अपनों पर निकाली। तू अब तक इसलिए जिंदा है क्योंकि मुझे उस लड़की की जान बचानी थी जिसे तूने किडनैप किया था। वो तो बच जाएगी, लेकिन सोच तेरा क्या होगा? देख, तेरे आगे पीछे घूमने वाले कुत्तों को तो मैं खत्म कर चुका हूँ, पर तुझे मैं छोड़ दूंगा, इसी हालत में छोड़ दूंगा। क्या मिला तुझे ये सब करके? अब अपने शहर लौटने की हिम्मत है तुझमें? अगर तू वापस आया तो 1,00,000 कॉन्स्टेबल्स, 22,000 सब इंस्पेक्टर, 7,000 इंस्पेक्टर, 700 डीएसपी, 120 एडीएसपी और 235 आईपीएस ऑफिसर्स, शहर की पूरी पुलिस फोर्स तुझे शूट करेगी। और तू हरियाणा जा नहीं सकता क्योंकि वहां तो तू पहले से ही तड़ी पार है। बहुत चिल्लाता था ना, चेन्नई मेरा है, चेन्नई मेरा है। अब चेन्नई का पानी भी नसीब नहीं होगा, तेरी हुकूमत खत्म हुई।
मैं जानता था तू पीछे से वार करेगा, कभी नहीं सुधरेगा। सोचा तुझमें थोड़ी शर्म बाकी होगी, तुझे जेल में डाल दूं, पर तू तो जीने के लायक है ही नहीं। अगर मैंने तुझे जेल में डाल भी दिया ना, तो तू वहां भी तेरी गंदगी फैलाएगा। तू जैसे दिमाग को कुचला नहीं तो सारा समाज खोखला हो जाएगा। मैंने तुझसे पहले ही कहा था, मेरी हटेगी ना तो सबकी फटेगी। तूने मेरी बात नहीं मानी, गलत इंसान से पंगा ले लिया।